सुपर शरानिया 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की आने वाली कॉमेडी फिल्म है जिसे ग्रेश एडी ने तरीर और हिदायतकारी की है। फिल्म में अन्ना स्वार्जन ने मरकजी किरदार अदा किया जबकि अर्जुन शुक्र ममिता बेजू नसलीन वो माउन किरदार अदा कर रहे। इस फिल्म को शेन बेकर ग्रेश एडी ने प्रोड्यूस किया था और इसकी मौसीकी जस्टिन वर्गेज ने तरतीब दी थी। ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को मिले जुले जायजों के लिए रिलीज हुई लेकिन तजारती लिहाज से कामयाब रही। सुपर शरानिया थिएटर रिलीज पोस्टर ग्रेश एडी के जरिए हिदायतकार ग्रेश एडी के जरिए तैयार करता है। शेन बेकर ग्रेश एडी अदाकारी अनवर सनजान अशोकर ममिता बैजू नसलीन गफूर सैनमाटोग्राफी साजिद प्रवेशन की तदवीद काश वर्गेज मौसीकी जस्टन पैदावर कंपनियां शेन बेकर प्रोडक्शन सेंट्रल पिक्चर्स के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहाई 7 जनवरी 2022 वक्त 164 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बॉक्स ऑफिस 23 करोड़ डॉलर राशा शरानिया इंडियन कॉलेज जाती है और अपनी रूम मेट से दोस्ती करती है। एक प्रोफेसर सीनियर और एक कम जुमात से पसंद करता है और वो अपने राज की कमसरित करते हुए इजहार करते हैं कि इंस्टाग्राम के जरिए एक नौजवान बालिक दीपू के साथ रोमांस में था। वो अरनालकम के जरिए घूमते हुए गलती से इससे मिली और उसके प्रोफाइल का पता लगा। शेरानी और उसके दोस्तों की कैंपस की जिंदगी करदार के बदलते साहिल को पूरी कहानी में कैद किया गया है। नासवा जनवासी शरनिया असुदीन सुपर शरानिया शाहरुख अर्जुन अशुकन बतौर दीपो ममिता बेजू बतौर सोना थाम सोना रवि नसलीन के गफूर बतौर संगीत वनीत श्याम बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण राज साजन कचरो कायल बतौर दीप्ति किशोर अभिलाष कुमार वनीत वासदियन बतौर अजीत मैनन के जरिए किया गया है। वनीत वासिम बतौर अजीत मैनन बतौर धारा बतौर वर्दन अनूठी वर्गेज वासियत स्मेशन कैंडन वटमी बतौर वासदियोवन दीपू की माँ के तौर पर बंधु पनेकर रोजना जोशी बतौर शीरन कानी कसरवती देविका गोपाल नायर बतौर दीपिका स्नेहा बाबू बतौर दीप्ति दीपू की बहन चमकदार सारा संतोष शिवराज बतौर सुधी जमीन डेनी बतौर जमीन अरुण ई हरिदास बतौर संजू ज्योति विजय कुमार जस्टिन के तौर पर श्रीकांत वटियार फेमिना बतौर और स्नो टीके नागा बैजू कैरसना श्री कुमार पार्वती अपन बतौर नविया सिबन शारजन प्रोडक्शन इंडियन सुपर शरानिया ऐलान अगस्त 2020 में ग्रेश एडी की दूसरी हदायतकारी के जरिए किया गया था जिसमें थानिर मतन दंगल के साथ अनास्वार्जन अर्जुन शोकर मरकजी किरदारों में थे। कनाचका बोबन ने फिल्म के फर्स्ट लग पोस्टर करेक्टर पोस्टर का हिस्सा किया। फिल्म साजों की जानब से एक सेकंड लग पोस्टर सामने आया जिसमें जनवरी 2022 को सिनेमा घर में फिल्म की रिलीज का ऐलान किया गया है। शिबन पैकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे ग्रेश एडी ने मुश्तरक तौर पर प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस किया जैसे ग्रेश मिश्र का तो प्रोड्यूसर सजीत कृष्ण ने सिनेमाटोग्राफी की जबकि काज जशव वर्गेश ने एडिटिंग किया जैसे वर्गेश जो थानियर मतन बैनगा के मोशी कॉर्बिट इन्होंने मिश्र की तरतीब दी। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2020 में शुरू होने का कहा गया लेकिन इसके बजाय दिसंबर 2020 में कोविड फैलने की वजह से शुरू किया गया। इसकी रिलीज की तारीख फिल्म 7 जनवरी 2022 को रिलीज हुई थी। तनकीदी रदमल तरमीम करे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से
ट्रेन की रेटिंग दी और लिखा है काली की कहानी भी अपनी ही खूबसूरती में फंस गई। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कुछ दास्तानें पनपती है जिसके बावजूद फिल्म एक ही मोहब्बत की कहानी को बार बार बयान करती है, कभी भी अपने अनुमान की वजाहत नहीं करती। दी न्यूज में नेपाल में सीन की राइटिंग दी और लिखा जुदाई तौर पर शुरू होता है लेकिन प्लाट से हट जाता है, हालत में तरमीम करे परवीन ऐसा सुपर शरानी सुनिया। फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। 26 जनवरी 2022 को बाजाब्त किया गया सुपर सरानिया मंजिलों पर है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2021 को बाजाब किया गया परवीन एस आर सुपर शरानिया फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। हिंदू 3 अक्टूबर 2022 को बाजाब किया गया सुपर शरानिया में अनासवार का किरदार दिलचस्प है ग्रेश हेडी। टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2022 को बाजाब किया गया नीर रतन दंगल टीम की अगली सुपर शरानिया 1 जनवरी 2022 में पहुँच जाएगी। शर्मा एक्सप्रेस 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब किया गया नीर रतन दंगल टीम की अगली फिल्म सुपर शरानिया दी न्यूज मिंट टाइम्स ऑफ इंडिया 26 अगस्त 2020 बाजियाब 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया 16 दिसंबर 2021 बाजियाब 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया मूवी 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब किया गया सुपर शरानिया मूवी का जायजा और दर्जाबंदी। इंडियन एक्सप्रेस मलयालम 7 जनवरी 2022 को बाजियाब किया ब्रूनी रावता की तरमीम बांध दिन पहले फाइव समय की मुतलकम जमीन थानी और मतन दंगल 2017 की फिल्म ग्रेश हेडी स्वाजन भारतीय अदाकार ग्रेश हेडी फिल्म डायरेक्टर मौसी अब तक की दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए राजधारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शराब डिस्टर्ब मैन मैनिकुलर तलाश कर इंसवाजन आर्टिकल टॉक जबान पी डी एफ डाउनलोड कर देखने में इंसवाजन एक हिंदुस्तानी अदाकार जो बुनियादी तौर पर मलयालम फिल्मों में काम करती है। इसने मलयालम मुख्तसी फिल्म ग्रुप में अपनी अदाकारी का आगाज जिसकी पहली फीचर फिल्म उदाहरण चिंता दी अनस्वादी लाशें कमयाब मलयालम फिल्मों तानियर मंदंग दंगल सुपर शाने के जरिए मकबूलियत हासिल की। इंसवाजन पैदाइश 8 सितंबर 2002 केरलर कन्नौर केरला कौमियत हिंदुस्तानी पेशावर अध्यक्ष 7 साल 2017 मौजूदा पैदाइश जिनकी दरमियान इंसवाजन की पैदाइश 8 सितंबर 2002 को राजन शाह के हाथी जो कैरियर कन्नौर के रहने वाले थे। इसकी तलीम सेनेट मेरी गर्ल्स हाई स्कूल यानवर में हुई थी। अदाकारी कैरियर तरमीम अनवारसन में अपनी फिल्म अदाकारी का आगाज 2017 में दारनम सजिता के साथ किया जो संजिता कृष्णा के भाग्य बेटी थीरा कृष्ण जयचंद दिगर फिल्मों मुक्ति से किरदार अदा करने के बाद अनस्वारा ने 2019 की फिल्म थानीर मतन दंगल में अपना मरकजी किरदार अदा किया। अनस्वारजन 2022 में रिलीज होने वाली त्रिशा स्टार फिल्म जिंदगी के साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोडी फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें। अनस्वारजन ने 2 किरदार अदा किए 2 या ज़्यादा फिल्मों के साथ अनस्वारा एक किरदार अदा किया वाला जल में तरमीम करें। अनस्वारजन 18 साल की हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया 8 दिसंबर 2020 इसलिए गए अनस्वारजन ने सन्नर मैनिक मतलब दंगल जैसी किसी फिल्म से लुत्फानंदोज नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 जनवरी 2019 बाजाब शुदा टाइम्स ऑफ इंडिया दौलकर के साथ अदाकारी करने के मौका ख्वाब देखना अनस्वारा कहती है अंग्रेजी अदाकारियों अर्जुन रंगीस के साथ तामल डिब्यू करेंगे। हिंदुस्तान बेनमूर के दिन इस साल अनस्वारजन अदारनम सीता के 3 साल पर टाइम्स ऑफ इंडिया 28 दिसंबर 2020 बाजाब शुदा 16 दिसंबर 2021 वादी फिल्म का जायजा मजबूत अदाकारी अवार्डी को बचाती है। सुपर शरानिया 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की आने वाली कॉमेडी फिल्म है जिसे ग्रेश एडी ने तरीर और हिदायतकारी की है। फिल्म में अनस्वारजन ने मरकजी किरदार अदा किया जबकि अर्जुन शुक्र ममिता बेजू नसलीन वो माउन किरदार अदा करे। इस फिल्म को शेन बेकर ग्रेश एडी ने प्रोड्यूस किया था और इसकी मौसीकी जस्टिन वर्गेज ने तरतीब दी थी।
ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को मिले जुले जायजों के लिए रिलीज हुई, लेकिन तजारती लिहाज से कामयाब रही। सुपर शरानिया थिएटर रिलीज पोस्टर ग्रेश एडी के जरिए हदायतकार ग्रेश एडी के जरिए तैयार करदा शेन बेकर ग्रेश एडी अदाकारी अनवर संजन अशोकन ममिता बैजू नसलीन कैगफूर सैनमाटोग्राफी साजिद प्रोवेशन की तदवीर दकार टोशक वर्गेज मौसीकी जस्टन पैदावर कंपनियां शेन बेकर प्रोडक्शन फंसीगर सेंट्रल पिक्चर्स के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहाई 7 जनवरी 2022 वक्त चल रहा 164 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मराठी बॉक्स ऑफिस 1 करोड़ डॉलर लासा शरानिया इंजीनियरिंग कॉलेज चाहती है और अपनी रूम मेट से दोस्ती करती है। एक प्रोफेसर सीनियर और एक कम जमात से पसंद करता है और वो अपने राज की कमसरित करते हुए इजहार करते हैं कि इंस्टाग्राम के जरिए एक नौजवान बालिक दीपू के साथ रोमांस में था। वो अरनालकम के जरिए घूमते हुए गलती से इससे मिली और उसके प्रोफाइल का पता लगा। शेरानी और उसके दोस्तों की कैंपस की जिंदगी करदार के बदलते कसाइल को पूरी कहानी में कैद किया गया है। नासवा जनवासी शरणिया असुदीन सुपर शरानिया सुशारू अर्जुन अशुकन बतौर दीपो ममिता बेजू बतौर सोना थाम सोना रवि नसलीन के गफूर बतौर संगीत वनीत श्याम बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण राज साजन कचरो काइल बतौर दीप्ति किशोर अभिलाष कुमार वनीत वासदियन बतौर अजीत मैनन के जरिए किया गया है। वनीत वासन बतौर अजीत मैनन बतौर धारा बतौर वर्धन अनूठी वर्केज वासियत स्मेशन कैंडन बटमी बतौर वासदियोवन दीपू की माँ के तौर पर बंधु पनेकर रोजना जोशी बतौर शीरन कहानी कसरवती देविका गोपाल नायर बतौर दीपिका स्नेहा बाबू बतौर दीप्ति दीपू की बहन चमकदार सारा संतोष शिवराज बतौर सुदी जमी डेनी बतौर जमी अरुण ई हरिदास बतौर संजू ज्योति विजय कुमार जस्टिन के तौर पर श्रीकांत वटियार फेमिना बतौर और सुनो टीके नागा बैजू कैरसना श्री कुमार पार्वती अपन बतौर नविया सिवन शारजन प्रोडक्शन इंडियन सुपर शरानिया ऐलान अगस्त 2020 में ग्रेश एडी की दूसरी हदायतकारी के जरिए किया गया था जिसमें थानिर मतन दंगल के साथ अनासवार्जन अर्जन शोकर मरकजी किरदारों में थे। कनाचका बोबन ने फिल्म के फर्स्ट लग पोस्टर करेक्टर पोस्टर का हिस्सा किया। फिल्म साजों की जानब से एक सेकंड लग पोस्टर सामने आया जिसमें जनवरी 2022 को सिनेमाघर में फिल्म की रिलीज का ऐलान किया गया है। शिबन पैकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे ग्रेश एडी ने मुश्तरका तौर पर प्रोड्यूस किया है। सिनेमेटोग्राफी की जबकि काजेशव वर्गेश ने एडिटिंग किया जैसे वर्गेश जोथानियर मतन बैनगा के मौसी कॉर्बिट इन्होंने मुसीक की तरतीब दी। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2020 में शुरू होने का कहा गया लेकिन इसके बजाय दिसंबर 2020 में कोविड फैलने की वजह से शुरू किया गया। इसकी रिलीज की तारीख फिल्म 7 जनवरी 2022 को रिलीज हुई थी। तनकीदी रदमल तरमीम करे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा है काली की कहानी भी अपनी ही खूबसूरती में फंस गई। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कुछ दास्तानें पनपति हैं जिसके बावजूद फिल्म एक ही मोहब्बत की कहानी को बार बार बयान करती है, कभी भी अपने उनवान की वजाहत नहीं करती। दी न्यूज मेंट ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा है जुदाई तौर पर शुरू होता है लेकिन प्लाट से हट जाता है। हालत में तरमीम करे परवीन ऐसा सुपर शरानी शरणिया फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता।
सही जनरल रोजाबाज को बाजाब्त किया गया। सुपर सराहनीय मंजिलों पर टाइम्स ऑफ इंडिया, 18 दिसंबर 2021 को बाजाब्त किया गया। परवीन एस आर सुपर सराहनीय फिल्म का जायजा। कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। हिंदू 3 अक्टूबर 2022 को बाजाब्त किया गया। सुपर सराहनीय में अनासवार का किरदार दिलचस्प है। ग्रेस हेडी टाइम्स ऑफ इंडिया, 18 दिसंबर 2022 को बाजियाब्त किया गया। नीर रतन दंगल टीम की अगली सुपर सराहनीय जनवरी 2022 में पहुंचेगी। शर्मा एक्सप्रेस 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब्त किया गया। नीर रतन दंगल टीम की अगली फिल्म सुपर सराहनीय दी न्यूज मिंट टाइम्स ऑफ इंडिया, 24 अगस्त 2020 बाजियाब्त। 18 दिसंबर 2021 सुपर सराहनीय मलालियम, 16 दिसंबर 2021 बाजियाब। 18 दिसंबर 2021 सुपर सराहनीय मूवी, 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब किया गया। सुपर सराहनीय मूवी का जायजा दर्जाबंदी। इंडियन एक्सप्रेस मलालियम 7 जनवरी 2022 को बाजियाब किया। अभिनेत्री रवता क्षेत्र में बान दिन पहले फाइव समय में कि मित्र कम जमीन थानी और मतन दंगल 2017 की फिल्म ग्रेस हेडी स्वार्जन भारतीय लगाकर ग्रेस हेडी फिल्म डायरेक्टर मौसी जब तक के दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए। राजधारी की पुलिस से स्मार्क ने खींच रहा डिस्टर्ब मैन मैनिकुलर तलाश कर स्वार्जन आर्टिकल टॉक जबान PDF डाउनलोड कर देखने में मीन स्वार्जन एक हिंदुस्तानी अदाकार जो बुनियादी तौर पर मलयालम फिल्मों में काम करती है। इसने मलयालम मुख्तसी फिल्म ग्रुप में अपनी अदाकारी को कहा जिसकी पहली फीचर फिल्म उदाहरण चिंता थी अनस्वादी लाशिक मलयालम फिल्मों तानी और मंदंग दंगल सुपर सराहनीय के जरिए मकबूलियत हासिल की। स्वार्जन पैदाइश 8 सितंबर 2002 केरलर कन्नौर केरला कौमियत हिंदुस्तानी पेशावर अध्यक्ष 7 साल 2017 मौजूदा पैदाइश जिनके दरमियान स्वार्जन की पैदाइश 8 सितंबर 2002 को राजन शाह के हाथ थी जो कैलीगियर कन्नौर के रहने वाले थे। इसकी तलीम सेंट मेरी गर्ल्स हाई स्कूल यानमार में हुई थी। अदाकारी कैरियर तरमीम अनवारसन में अपनी फिल्म अदाकारी का आगाज 2017 में दारनम सजिता के साथ किया जो संजिता कृष्णा के भाग्य बेटी थीरा कृष्ण जयचंद दिगर फिल्मों मुख्तलिफ किरदार अदा करने के बाद अनस्वारा ने 2019 की फिल्म थानीर मतन दंगल में अपना मरकजी किरदार अदा किया। अनस्वारजन 2022 में रिलीज होने वाली त्रिशा स्टार फिल्म जिंदगी के साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोडी फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें। अनस्वारजन ने 2 किरदार अदा किए, 2 या ज़्यादा फिल्मों के साथ अनस्वारा एक किरदार अदा किए वाला जल में तरमीम करें। अनस्वारजन 18 साल की हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया 8 दिसंबर 2020 इसलंग लगाए अनस्वारजन ने सन्नर मैनिक मतलब दंगल जैसी किसी फिल्म से लुत्फानंदोज नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 जनवरी 2019 बाजाब शुदा टाइम्स ऑफ इंडिया दौलकर के साथ अदाकारी करने के मौका ख्वाब देखना अनस्वारा करती है। अंग्रेजी अदाकारी अर्जुन रंगीस के साथ तमिल डेब्यू करेंगे। हिंदुस्तान बिरनमूर के दिन इस साल अनस्वारजन अदारनम सीता के 3 साल पर टाइम्स ऑफ इंडिया 28 दिसंबर 2020 बाजाब शुदा 16 दिसंबर 2021 वादी फिल्म का जायजा। मजबूत अदाकारी एवेडी को बचाती है। सुपर सराहनीय 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की आने वाली कॉमेडी फिल्म है जिसे ग्रेस हेडी ने तरीर और हिदायतकारी की है। फिल्म में अनस्वारजन ने मरकजी किरदार अदा किया जबकि अर्जुन शुक्र ममिता बेजो नसलीन वो माउन किरदार अदा करे। इस फिल्म को शेन बेकर ग्रेस एडी ने प्रोड्यूस किया था और इसकी मौसीकी जस्टिन वर्गेज ने तरतीब दी थी। ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को मिले जुले जायजों के लिए रिलीज हुई लेकिन तजारती लिहाज से कामयाब रही। सुपर सराहनीय थिएटर रिलीज पोस्टर ग्रेस एडी के जरिए हिदायतकार ग्रेस एडी के जरिए तैयार करता है। शेन बेकर ग्रेस एडी अदाकारी अनवार संजन अशोकर ममिता बैजो नसलीन गफूर सैनमाटोग्राफी साजिद प्रवेशन की तदवीर दकार टोशक वर्गेज मौसीकी जस्टन पैदावर कंपनियां शेन बेकर प्रोडक्शन
सेंट्रल पैक्चर्स के ज़रिए तकसीम किया गया तारीख रहाई 7 जनवरी 2022 वक्त 164 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मराठी बॉक्स ऑफिस 1 करोड़ डॉलर लासा शरानिया इंडियन इंक्वायरी चाहती है और अपनी रूम मेट से दोस्ती करती है। एक प्रोफेसर सीनियर और एक कम जमात से पसंद करता है और वो अपने राज की कमसरित करते हुए इजहार करते हैं कि इंस्टाग्राम के जरिए एक नौजवान बालिक दीपो के साथ रोमांस में था। वो अरनालकम के जरिए घूमते हुए गलती से इससे मिली और उसके प्रोफाइल का पता लगा। शेरानी और उसके दोस्तों की कैंपस की जिंदगी करदार के बदलते साहिल को पूरी कहानी में कैद किया गया है। नासवा जनवासी शरणिया असुदीन सुपर शरानिया शाहरुख अर्जुन अशुकन बतौर दीपो ममिता बेजू बतौर सोना थाम सोना रवि नसलीन के गफूर बतौर संगीत वनीत श्याम बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण राज साजन कचरो कायल बतौर दीप्ति किशोर अभिलाष कुमार वनीत वासदियन बतौर अजीत मैनन के जरिए किया गया है। वनीत वासियन बतौर अजीत मैनन बतौर धारा बतौर वरदान अनूठी वर्केश वासियत स्मेशन कैंडन बटमी बतौर वासदियोवन दीपो की माँ के तौर पर बंधु पनेकर रोजना जोशी बतौर शीरन कहानी कसरवती देविका गोपाल नायर बतौर दीपिका स्नेहा बाबू बतौर दीप्ति दीपू की बहन चमकदार सारा संतोष शिवराज बतौर सुधी जमीन डेनी बतौर जमी अरुण ई हरिदास बतौर संजू ज्योति विजय कुमार जस्टिन के तौर पर श्रीकांत बुटियार फेमिना बतौर और स्नोर टीके नागा बैजू कैरसना श्री कुमार पार्वती अपन बतौर नविया सिबन शारजन प्रोडक्शन इंडियन सुपर शरानिया ऐलान अगस्त 2020 में ग्रेश एडी की दूसरी हदायतकारी के जरिए किया गया था जिसमें थानिर मतन दंगल के साथ अनासवार्जन अर्जन शोकर मरकजी किरदारों में थे। कनाचका बोबन ने फिल्म के फर्स्ट लग पोस्टर करेक्टर पोस्टर का साकी फिल्म साजों की जानब से एक सेकंड लग पोस्टर सामने आया जिसमें जनवरी 2022 को सिनेमा घर में फिल्म की रिलीज का ऐलान किया गया है। शिबन पैकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे ग्रेश एडी ने मिस्टर का दब्बा प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस किया जैसे ग्रेश मिश्र का तो प्रोड्यूस सज्जीत कृष्ण ने सिनेमाटोग्राफी की जबकि कहा जैसे वर्गेश ने एडिटिंग किया जैसे वर्गेश जो थानियर मतन बैनगा के मौसिक और बीट इन्होंने मिश्र की तरतीब दी। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2020 में शुरू होने का कहा गया लेकिन इसके बजाय दिसंबर 2020 में कोविड फैलने की वजह से शुरू किया गया। इसकी रिलीज की तारीख फिल्म 7 जनवरी 2022 को रिलीज हुई थी। तनकीदी रिदमल तरमीम करे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा है काली की कहानी भी अपनी ही खूबसूरती में फंस गई। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कुछ दास्तानें पनपती है जिसके बावजूद फिल्म एक ही मोहब्बत की कहानी को बार बार बयान करती है कभी भी अपने उनवान की वजाहत नहीं करती। दी न्यूज़ में ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा जुदाई तौर पर शुरू होता है लेकिन प्लाट से हट जाता है। हालत में तरमीम करे परवीन ऐसा सुपर शरानी शनिया फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। 27 जनवरी 2022 को बाजाब्त किया गया सुपर शरानिया मंजिलों पर है। टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2021 को बाजियाप्त किया गया परवीन एस आर सुपर शरानिया फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। हिंदू 3 अक्टूबर 2022 को बाजियाप्त किया गया सुपर शरानिया में अनासवार का किरदार दिलचस्प है। ग्रेश एडी टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2022 को बाजियाप्त किया गया। नीर रतन दंगल टीम की अगली सुपर शरानिया जनवरी 2022 में पहुंचेगी। सनमा एक्सप्रेस
18 दिसंबर 2021 को बाजियाब किया गया निर्माता दंगल टीम की अगली फिल्म सुपर शानिया द न्यूज मिंट टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया 24 अगस्त 2020 बाजियाब 18 दिसंबर 2021 सुपर शानिया 18 न्यूज मलालियम 16 दिसंबर 2021 बाजियाब 18 दिसंबर 2021 सुपर शानिया मूवी 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब किया गया सुपर शानिया मूवी का जायजा और दर्जा बंदी इंडियन एक्सप्रेस मलालियम 7 जनवरी 2022 को बाजियाब किया गया में पहले मतलब कम जमीन थानी और मतलब दंगल 2017 की फिल्म ग्रे शेडी स्वार्जन भारतीय अदाकार ग्रे शेडी फिल्म डायरेक्टर मुआशी सिबासा की तदस्या जब तक के दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए राजधारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शराब डिस्टर्ब मैन मैनिकुलर तलाश कर स्वार्जन आर्टिकल टॉक जबान PDF डाउनलोड कर देखने में मीन स्वार्जन एक हिंदुस्तानी अदाकार जो बुनियादी तौर पर मलयालम फिल्मों में काम करती है। इसने मलयालम मुक्तसी फिल्म ग्रुप में अपने अदाकारी का आगाज जिसकी पहली फीचर फिल्म उदाहरण चिंता दी अंशवादा जाति लाशें कमयाब मलयालम फिल्मों तानियर मंदंग दंगल से ऊपर जाने के जरिए मकबूलियत हासिल की। स्वार्जन पैदाइश 8 सितंबर 2002 केरलर कनौर केरला कौमियत हिंदुस्तानी पेशावर अध्यक्ष 7 साल 2017 मौजूदा जिनकी दरमियान स्वार्जन की पैदाइश 8 सितंबर 2002 को राजन शाह के हाथी जो कैरिगियर कनौर के रहने वाले थे। इसकी तलीम सेंट मेरी गर्ल्स हाई स्कूल यानमोर में हुई थी। अदाकारी कैरियर तरमीम अनवारसन में अपनी फिल्म अदाकारी का आगाज 2017 में दारनम सजिता के साथ किया जो संजिता कृष्णा के भाग्य बेटी थीरा कृष्ण जयचन दिगर फिल्मों मुक्ति से किरदार अदा करने के बाद अंसवारा ने 2019 की फिल्म थानीर मतन दंगल में अपना मरकजी किरदार अदा किया। अंसवारजन 2022 में रिलीज होने वाली त्रिशा स्टार फिल्म जिंदगी के साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोडी फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें। अंसवारजन ने 2 किरदार अदा किए 2 या ज़्यादा फिल्मों के साथ। अंसवारा एक किरदार अदा किया वाला जल में तरमीम करें। स्वारा जन 18 साल की हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया 8 दिसंबर 2020 लगाए बिन स्वार्जन ने सन्नर मैनिक मतलब दंगल जैसी किसी फिल्म से लुत्फानंदोज नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 जनवरी 2019 बाजाब शुदा टाइम्स ऑफ इंडिया दौलकर के साथ अदाकार करने के मौका ख्वाब देखना अंसवारा कहती है। अंग्रेजी अदाकारियों अर्जुन रंगीस के साथ तामर डिब्यू करेंगे हिंदुस्तान बेनमूरे के दिन इस साल अंसवारजन अदारनम सीता के 3 साल पर टाइम्स ऑफ इंडिया 28 दिसंबर 2020 बाजाब शुदा 16 दिसंबर 2021 वादी फिल्म का जायजा मजबूत अदाकारी एवेडी को बचाती है। सुपर शरानिया 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की आने वाली कॉमेडी फिल्म है जिसे ग्रेश एडी ने तरीर और हिदायतकारी की है। फिल्म में अन्ना स्वार्जन ने मरकजी किरदार अदा किया जबकि अर्जुन शुक्र ममिता बेजो नसलीन कपूर माउन किरदार अदा करे। इस फिल्म को शेन बेकर ग्रेश एडी ने प्रोड्यूस किया था और इसकी मौसीकी जस्टिन वर्गेज ने तरतीब दी थी। ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को मिले जुले जायजों के लिए रिलीज हुई लेकिन तजारती लिहाज से कामयाब रही। सुपर शरानिया थिएटर रिलीज पोस्टर ग्रेश एडी के जरिए हिदायतकार ग्रेश एडी के जरिए तैयार करता है। शेन बेकर ग्रेश एडी अदाकारी अनवार संजीदा ने शुक्र ममिता बैजू नसलीन के गफूर सैनमाटोग्राफी साजिद प्रवेशन की तदवीर दकाश टोशक वर्गेज मौसीकी जस्टन पैदावर कंपनियां शेन बेकर प्रोडक्शन फंसीगर सेंट्रल पिक्चर्स के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहाई 7 जनवरी 2022 वक्त चल रहा 164 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मराठी बॉक्स ऑफिस $1 करोड़ खुलासा शरानिया इंजीनियरिंग कॉलेज चाहती है और अपनी रूममेट से दोस्ती करती है। एक प्रोफेसर सीनियर और एक कम जमात से पसंद करता है
और वो अपने अपने राज की कमसरित करते हुए इशार करते हैं कि इंस्टाग्राम के जरिए एक नौजवान बालिक दीपू के साथ रोमांस में था। वो अरनालकम के जरिए घूमते हुए गलती से इससे मिली और उसके प्रोफाइल का पता लगा। शेरानी और उसके दोस्तों की कैंपस की जिंदगी करदार के बदलते साहिल को पूरी कहानी में कैद किया गया है। नासवा जनवासी शरणिया असुदीन सुपर शरानिया सुशारु अर्जुन अशुकन बतौर दीपो ममिता बेजू बतौर सोना थाम सोना रवि नसलीन के गफूर बतौर संगीत वनीत श्याम बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण राज साजन चरो कायल बतौर दीप्ति किशोर अभिलाष कुमार वनीत वासवियन बतौर अजीत मैनन के जरिए किया गया है। वनीत वासन बतौर अजीत मैनन बतौर धारा बतौर वर्धन अनूठी वर्गेज वासियत समेशन कैंडन वटमी बतौर वासदियोवन दीपू की माँ के तौर पर बंधु पनेकर रोजना जोशी बतौर शीरन कहानी कसरवती देविका गोपाल नायर बतौर दीपा स्नेहा बाबू बतौर दीप्ति दीपू की बहन चमकदार सारा संतोष शिवराज बतौर सुधी जमी डेनी बतौर जमी अरुण ई हरिदास बतौर संजू ज्योति विजय कुमार जस्टिन के तौर पर श्रीकांत वटियार फेमिना बतौर और सुनो टीके नागा बैजू कैरसना श्री कुमार पार्वती यापन बतौर नविया सिबन शारजन प्रोडक्शन इंडियन सुपर शरानियक ऐलान अगस्त 2020 में ग्रेश एडी की दूसरी हदायतकारी के जरिए किया गया था जिसमें थानिर मतन दंगल के साथ अनासवार्जन अर्जन शोकर मरकजी किरदारों में थे। कनाचका बोबन ने फिल्म के फर्स्ट लक पोस्टर करेक्टर पोस्टर का साकिया फिल्म साजों की जानब से एक सेकंड लक पोस्टर सामने आया जिसमें जनवरी 2022 को सिनेमा घर में फिल्म की रिलीज का ऐलान किया गया है। शिबन पैकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे ग्रेश एडी ने मुश्तरका तौर पर प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी की जबकि काजेशव वर्गेश ने एडिटिंग किया जैसे वर्गेश जो थानियर मतन बैनगा के मोशी कॉर्बिट इन्होंने मुश्किल की तरतीब दी। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2020 में शुरू होने का कहा गया लेकिन इसके बजाय दिसंबर 2020 में कोविड फैलने की वजह से शुरू किया गया। इसकी रिलीज की तारीख फिल्म 2022 को रिलीज हुई थी। तनकीदी रदमल तरमीम करे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा है काली की कहानी भी अपनी ही खूबसूरती में फंस गई। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कुछ दास्तानें पनपति हैं जिसके बावजूद फिल्म एक ही मोहब्बत की कहानी को बार बार बयान करती है, कभी भी अपने उनवान की वजाहत नहीं करती। दी न्यूज में ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा है जुदाई तौर पर शुरू होता है लेकिन प्लाट से हट जाता है। हालत में तरमीम करे परवीन ऐसा सुपर शरानी शरणिया फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। 27 जनवरी 2022 को बाजाब्त किया गया सुपर शरानिया मंजिलों पर टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2021 को बाजाब्त किया गया परवीन एस आर सुपर शरानिया फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। हिंदू 3 अक्टूबर 2022 को बाजाब्त किया गया सुपर शरानिया में अनासवार का किरदार दिलचस्प है। ग्रेश एडी टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2022 को बाजाब्त किया गया। नीर रतन दंगल टीम की अगली सुपर शरानिया जनवरी 2022 में पहुंचेगी। सनमा एक्सप्रेस 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब्त किया गया। नीर रतन दंगल टीम की अगली फिल्म सुपर शरानिया दी न्यूज मिंट टाइम्स ऑफ इंडिया 24 अगस्त 2020 बाजियाब्त 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया
मलयालम 16 दिसंबर 2021 बाद जाप 18 दिसंबर 2021 सुपर शानिया मूवी 18 दिसंबर 2021 को बाद जाप की सुपर शानिया मूवी का जायजा और दर्जा बंदी इंडियन एक्सप्रेस मलयालम 7 जनवरी 2022 को बाद जाप की अभिनय तकदीर में बांध लेने पहले फाइव समय की मिटल कम जमीन थानी और मतन दंगल 2017 की फिल्म ग्रे शेडी स्वार्जन भारतीय अदाकार ग्रे शेडी फिल्म डायरेक्टर मुआशी सिबासक अब तक के दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए राजधारी की पुलिस से स्मार्क करने की शराब डिस्टर्ब मैन मैनिकुलर तलाश कर स्वार्जन आर्टिकल टॉक जबान पी डी एफ डाउनलोड कर देख रहे मैं स्वार्जन एक हिंदुस्तानी अदाकार जो बुनियादी तौर पर मलयालम फिल्मों में काम करी इसने मलयालम मुख्तसी फिल्म ग्रुप में अपनी अदाकारी को कहा जिसकी पहली फीचर फिल्म उदाहरण चिंता दी अनस्वादी लासिक कामयाब मलयालम फिल्मों तानियर मंदंग दंगल से ऊपर जाने के जरिए मकबूलियत हासिल की स्वार्जन पैदाइश 8 सितंबर 2002 केरलर कन्नौर केरला कौमियत हिंदुस्तानी पेशावर अध्यक्ष 7 साल 2017 मौजूदा अध्यक्ष जिनके जरिए स्वार्जन की पैदाइश 8 सितंबर 2002 को राजन शके हाथी जो कैरिगियर कन्नौर के रहने वाले थे। इसकी तलीम सेनेट मेरी गर्ल्स हाई स्कूल यानवर में उठी। अदाकारी कैरियर तरमीम अनवारसन में अपनी फिल्म अदाकारी का आगाज 2017 में दारनम सजिता के साथ किया जो संजिता कृष्णा के भाग्य बेटी थीरा कृष्ण जयचंद दिगर फिल्मों मुख्तलिफ किरदार अदा करने के बाद अनस्वारा ने 2019 की फिल्म थानीर मतन दंगल में अपना मरकजी किरदार अदा किया। अनस्वारजन 2022 में रिलीज होने वाली त्रिशा स्टार फिल्म जिंदगी के साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोडी फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें। अनस्वारजन ने 2 किरदार अदा किए 2 या ज़्यादा फिल्मों के साथ अनस्वारा एक किरदार अदा किए वाला जल्द में तरमीम करें। अनस्वारा जन 18 साल की हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया 8 सितंबर 2020 अनस्वारजन ने सन्नर मैनिक मतलब दंगल जैसी किसी फिल्म से लुत्फानंदोज नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 जनवरी 2019 बाजाब शुदा टाइम्स ऑफ इंडिया दौलकर के साथ अदाकारी करने के मौका ख्वाब देखना अनस्वारा करती है। अंग्रेजी अदाकारी अर्जुन रंगीस के साथ तमिल डेब्यू करेंगे। हिंदुस्तान बिरानमूरक इस दिन इस साल अनस्वारजन अदारनम सीता के 3 साल पर टाइम्स ऑफ इंडिया 28 दिसंबर 2020 बाजाब शुदा 16 दिसंबर 2021 वादी फिल्म का जायजा मजबूत अदाकारी एवेडी को बचाती है। सुपर शरानिया 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की आने वाली कॉमेडी फिल्म है जिसे ग्रेश एडी ने तरीर और हिदायतकारी की है। फिल्म में अनस्वारजन ने मरकजी किरदार अदा किया जबकि अर्जुन शुक्र ममिता बेजो नसलीन वो माउन किरदार अदा करे। इस फिल्म को शेन बेकर ग्रेश एडी ने प्रोड्यूस किया था और इसकी मौसीकी जस्टिन वर्गेज ने तरतीब दी थी। ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को मिले जुले जायजों के लिए रिलीज हुई लेकिन तजारती लिहाज से कामयाब रही। सुपर शरानिया थिएटर रिलीज पोस्टर ग्रेश एडी के जरिए हिदायतकार ग्रेश एडी के जरिए तैयार करता है। शेन बेकर ग्रेश एडी अदाकारी अनवार संजन अशोकर ममिता बैजो नसलीन गफूर सैनमाटोग्राफी साजिद प्रवेशन की तदवीर दकार टोशक वर्गेज मौसीकी जस्टन पैदावर कंपनियां शेन बेकर प्रोडक्शन फंसीगर सेंट्रल पिक्चर्स के जरिए तकसीम किया गया। तारीख 7 जनवरी 2022 वक्त चल रहा 164 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बॉक्स ऑफिस $1 करोड़ लासा शरानिया इंजीनियरिंग कॉलेज जाती है और अपनी रूममेट से दोस्ती करती है। एक प्रोफेसर सीनियर और एक कम जमात से पसंद करता है और वो अपने राज की कमसरित करते हुए इजहार करते हैं कि इंस्टाग्राम के जरिए एक नौजवान बालिक दीपू के साथ रोमांस में था। वो अरनालकम के जरिए घूमते हुए गलती से इससे मिली और उसके प्रोफाइल का पता लगा। शरानिया उसके दोस्तों की कैंपस की जिंदगी किरदार के बदलते कसाइल को पूरी कहानी में कैद किया गया है। नासवा जनवासी शरानिया असुदीन सुपर शरानिया शाहरुख अर्जुन अशोकन बतौर दीपो ममिता बेजू बतौर सोना
थाम सोना रवि नसलीन के गफूर बतौर संगीत वनीत श्याम बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण राज साजन कचरो कायल बतौर दीप्ति किशोर अभिलाष कुमार वनीत वासन बतौर अजीत मैनन के जरिए किया गया है। वनीत वासन बतौर अजीत मैनन बतौर धारा बतौर वर्धन अनूठी वर्केश वासियत समेशन कैंडन वटमी बतौर वास दियोवन दीपू की माँ के तौर पर बंधु पनेकर रोजना जोशी बतौर शीरन कानी कसरवती देविका गोपाल नायर बतौर दीपिका स्नेहा बाबू बतौर दीप्ति दीपू की बहन चमकदार सारा संतोष शिवराज बतौर सुधी जमी डेनी बतौर जमी अरुण ई हरिदास बतौर संजू ज्योति विजय कुमार जस्टिन के तौर पर श्रीकांत वटियार फेमिना बतौर और स्नोर टीके नागा बैजू कैरसना श्री कुमार पार्वती यापन बतौर नविया सिबन शारजन प्रोडक्शन इंडियन सुपर शरानिया ऐलान अगस्त 2020 में ग्रेश एडी की दूसरी हदायतकारी के जरिए किया गया था जिसमें थानिर मतन दंगल के साथ अनास्वार्जन अर्जन शोकर मरकजी किरदारों में थे। कनाचका बोबन ने फिल्म के फर्स्ट लग पोस्टर करेक्टर पोस्टर का हिस्सा किया। फिल्म साजों की जानब से एक सेकंड लग पोस्टर सामने आया जिसमें जनवरी 2022 को सिनेमा घर में फिल्म की रिलीज का ऐलान किया गया है। शिबन पैकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे ग्रेश एडी ने मुश्तरका तौर पर प्रोड्यूस किया है जबकि का जैसे वर्गेश ने एडिटिंग किया जैसे वर्गेश जो थानियर मतन बैनगा के मौसिक और बीट इन्होंने मुश्किल की तरतीब दी। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2020 में शुरू होने का कहा गया लेकिन इसके बजाय दिसंबर 2020 में कोविड फैलने की वजह से शुरू किया गया। इसकी रिलीज की तारीख फिल्म साजन 2022 को रिलीज हुई थी। तनकीदी रिदमल तरमीम करे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा है काली की कहानी भी अपनी ही खूबसूरती में फंस गई। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कुछ दास्तानें पनपती है जिसके बावजूद फिल्म एक ही मोहब्बत की कहानी को बार बार बयान करती है कभी भी अपने उनवान की वजाहत नहीं करती। दी न्यूज़ में ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा जुदाई तौर पर शुरू होता है लेकिन प्लाट से हट जाता है। आला जट में तरमीम करे परवीन ऐसा सुपर शरानी शनिया फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। 27 जनवरी 2022 को बाजाब्त किया गया सुपर शरानिया मंजिलों पर है टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2021 को बाजाब्त किया गया परवीन एस आर सुपर शरानिया फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। हिंदू 3 अक्टूबर 2022 को बाजाब्त किया गया सुपर शरानिया में अनास्वार का किरदार दिलचस्प है ग्रेश एडी टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2022 को बाजाब्त किया गया। नीर रतन दंगल टीम की अगली सुपर शरानिया जनवरी 2022 में पहुंचेगी। सनमा एक्सप्रेस 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब्त किया गया। नीर रतन दंगल टीम की अगली फिल्म सुपर शरानिया दी न्यूज मिंट टाइम्स ऑफ इंडिया 24 अगस्त 2020 बाजियाब्त 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया 18 न्यूज़ मलालियम 16 दिसंबर 2021 बाजियाब्त 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया मूवी 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब्त किया गया सुपर शरानिया मूवी का जायजा और दर्जाबंदी। इंडियन एक्सप्रेस मलालियम 7 जनवरी 2022 को बाजियाब्त किया ब्रूनी रावता की तरमीम 5 दिन पहले आप समय में कि मिटल कम जमीन थानी और मतन दंगल 2017 की फिल्म ग्रेश एडी स्वार्जन भारतीय अदाकार ग्रेश एडी
फिल्म डायरेक्टर मुआज़्ज़ज़ इबासा की तदस्या बैद अब तक के दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए। राजधानी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शराब डिस्टर्ब मैन मैनिकुलर तलाश कर इंसवार्जन आर्टिकल टॉक्स वन PDF डाउनलोड कर देखने में इंसवार्जन एक हिंदुस्तानी अदाकार जो बुनियादी तौर पर मलयालम फिल्मों में काम करती है। इसने मलयालम मुख्तसी फिल्म ग्रुप में अपनी अदाकारी का आगाज इसकी पहली फीचर फिल्म उदाहरण सिद्धि अंसवार्दाजाती लाशें कामयाब मलयालम फिल्मों तानियर मंदंग दंगल से ऊपर जाने के जरिए मकबूलियत हासिल की। इंसवार्जन पैदाइश 8 सितंबर 2002 केरलर कनौर केरला कौमियत हिंदुस्तानी पेशावर अदक 7 साल 2017 मौजूदा पैदाइश जिनकी दरमियान इंसवार्जन की पैदाइश 8 सितंबर 2002 को राजन शके हाथी जो कैरिगियर कनौर के रहने वाले थे। इसकी तलीम सेंट मेरी गर्ल्स हाई स्कूल यानवर में हुई थी। अदाकारी कैरियर तरमीम अनवारसन में अपनी फिल्म अदाकारी का आगाज 2017 में दारनम सजिता के साथ किया जो संजिता कृष्णा के भाग्य बेटी थीरा कृष्ण जयचंद दिगर फिल्मों मुक्ति से किरदार अदा करने के बाद अंसवारा ने 2019 की फिल्म थानीर मतन दंगल में अपना मरकजी किरदार अदा किया। अंसवारजन 2022 में रिलीज होने वाली त्रिशा स्टार फिल्म जिंदगी के साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोडी फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें। अंसवारजन ने 2 किरदार अदा किए 2 या ज़्यादा फिल्मों के साथ अंसवारा एक किरदार अदा किया वाला जल्द में तरमीम करें। अंसवारा जन 18 साल की हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया 8 सितंबर 2020 इसलंग अंसवारजन ने सन्नर मैनिक मतलब दंगल जैसी किसी फिल्म से लुत्फानंदोज नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 जनवरी 2019 बाजाब शुदा टाइम्स ऑफ इंडिया दौलकर के साथ अदाकारी करने के मौका ख्वाब देखना अंसवारा कहती है। अंग्रेजी अदाकारी अर्जुन रंगीस के साथ तमिल डेब्यू करेंगे। हिंदुस्तान बेनमुरे के दिन इस साल अंसवारजन अदारनम सीता के 3 साल पर टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2020 बाजाब शुदा 16 सितंबर 2021 वादी फिल्म का जायजा मजबूत अदाकारी एवेडी को बचाती है। सुपर शरानिया 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की आने वाली कॉमेडी फिल्म है जिसे ग्रेश एडी ने तरीर और हिदायतकारी की है। फिल्म में अंसवारजन ने मरकजी किरदार अदा किया जबकि अर्जुन शुक्र ममिता बेजू नसलीन वो मामूल किरदार अदा करे। इस फिल्म को शेन बेकर ग्रेश एडी ने प्रोड्यूस किया था और इसकी मौसीकी जस्टिन वर्गेज ने तरतीब दी थी। ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को मिले जुले जायजों के लिए रिलीज हुई लेकिन तजारती लिहाज से कामयाब रही। सुपर शरानिया थिएटर रिलीज पोस्टर ग्रेश एडी के जरिए हिदायतकार ग्रेश एडी के जरिए तैयार करता है। शेन बेकर ग्रेश एडी अदाकारी अनवार संजन शुक्र ममिता बैजू नसलीन के गफूर सैनमाटोग्राफी साजिद प्रवेशन की तदवीर दकार टोशक वर्गेज मौसीकी जस्टन पैदावर कंपनियां शेन बेकर प्रोडक्शन पंचीगढ़ सेंट्रल पिक्चर्स के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहाई 7 जनवरी 2022 वक्त चल रहा 164 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बॉक्स ऑफिस $1 करोड़ खुलासा शरानिया इंजीनियरिंग कॉलेज चाहती है और अपनी रूममेट से दोस्ती करती है। एक प्रोफेसर सीनियर और एक कम जमात से पसंद करता है और वो अपने राजगी को मुसरद करते हुए इजहार करते हैं कि इंस्टाग्राम के जरिए एक नौजवान बालिक दीपू के साथ रोमांस में था। वो अरनालकम के जरिए घूमते हुए गलती से इससे मिली और उसके प्रोफाइल का पता लगा। शेरानी और उसके दोस्तों की कैंपस की जिंदगी करदार के बदलते साहिल को पूरी कहानी में कैद किया गया है। नासवा जनवासी शरण्या असुदीन सुपर शरानिया सुशारू अर्जुन अशुकन बतौर दीपो ममिता बेजू बतौर सोना थाम सोना रवि नसलीन के गफूर बतौर संगीत वनीत श्याम बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण राज साजन कचरो कायल बतौर दीप्ति किशोर अभिलाष कुमार वनीत वासदियन बतौर अजीत मैनन के जरिए किया गया है।
वनियत वासे बतौर जीत मैंने बतौर धारा बतौर वरदान अनूठी वरकेत वासियत है समेशन कैंडन वटमी बतौर वास दियोवन दीपो की माँ के तौर पर बंधु पनेकर रोजना जोशी बतौर शीरन कानी कसरवती देविका गोपाल नायर बतौर दिविपा स्नेहा बाबू बतौर दीप्ति दीपू की बहन चमकदार सारा संतोष शिवराज बतौर सुधी जमीन डेनी बतौर जमीन अरुण ई हरिदास बतौर संजू ज्योति विजय कुमार जस्टिन के तौर पर श्रीकांत वटियार फेमिना बतौर और सुनो टीके नागा बैजू कैरसना श्री कुमार पार्वती अपन बतौर नवियाँ सिबन शारजन प्रोडक्शन इंडियन सुपर शरानियक ऐलान अगस्त 2020 में ग्रेश एडी की दूसरी हदायतकारी के जरिए किया गया था जिसमें थानिर मतन दंगल के साथ अनास्वार्जन अर्जन शोकर मरकजी किरदारों में थे। कनाचका बोबन ने फिल्म के फर्स्ट लग पोस्टर करेक्टर पोस्टर का हिस्सा किया। फिल्म साजों की जानब से एक सेकंड लग पोस्टर सामने आया जिसमें जनवरी 2022 को सिनेमा घर में फिल्म की रिलीज का ऐलान किया गया है। शिबन पैकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे ग्रेश एडी ने मुश्तरक तौर पर प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस किया जैसे ग्रेश मिश्र का तो प्रोड्यूस सजीत कृष्ण ने सिनेमाटोग्राफी की जबकि कार जैसा वर्गेश ने एडिटिंग किया जैसे वर्गेश जो थानियर मतन बैनगा केमोस्ट्री कॉर्बिट इन्होंने मिश्र की तरतीब दी। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2020 में शुरू होने का कहा गया लेकिन इसके बजाय दिसंबर 2020 में कोविड फैलने की वजह से शुरू किया गया। इसकी रिलीज की तारीख फिल्म 4 जनवरी 2022 को रिलीज हुई थी। तनकीदी रिदमल तरमीम करे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा है काली की कहानी भी अपनी ही खूबसूरती में फंस गई। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कुछ दास्तानें पनपती हैं जिसके बावजूद फिल्म एक ही मोहब्बत की कहानी को बार बार बयान करती है। कभी भी अपने उनवान की वजाहत नहीं करती। दी न्यूज में 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा जुदाई तौर पर शुरू होता है लेकिन प्लाट से हट जाता है। हालत में तरमीम करे परवीन ऐसा सुपर शरानी सुनिया फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। 27 जनवरी 2022 को बाजाब्त किया गया सुपर शरानिया मंजिलों पर टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब्त किया गया परवीन एस आर सुपर शरानिया फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। हिंदू 3 अक्टूबर 2022 को बाजियाब्त किया गया सुपर शरानिया में अनास्वार का किरदार दिलचस्प है ग्रेश एडी। टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2022 को बाजियाब्त किया गया नीर रतन दंगल टीम की अगली सुपर शरानी है जनवरी 2022 में पहुंच जाएगी। सनमा एक्सप्रेस 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब किया गया नीर रतन दंगल टीम की अगली फिल्म सुपर शरानिया दी न्यूज मिंट टाइम्स ऑफ इंडिया 24 अगस्त 2020 बाजियाब 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया 18 न्यूज मलालियम 16 दिसंबर 2021 बाजियाब 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया मूवी 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब किया गया सुपर शरानिया मूवी का जायजा और दर्जाबंदी। इंडियन एक्सप्रेस मलालियम 7 जनवरी 2022 को बाजियाब किया अभिनेत्री रावता की तरमीम 5 दिन पहले फाइव समय की मुतलकम जमीन थानी और मतन दंगल 2017 की फिल्म ग्रेश एडी स्वार्जन भारतीय लगा ग्रेश एडी फिल्म डायरेक्टर मुआसी सिबासा की तस्वीर दबदक के दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए राजदारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शराब डिस्टर्ब मैन मैनिकुलर तलाश कर इंसवार्जन आर्टिकल टॉक जबान PDF डाउनलोड कर देख रहे हैं। इंसवार्जन एक हिंदुस्तानी अदाकार जो बुनियादी तौर पर मलयालम फिल्मों में काम करती है। इसने मलयालम मुख्तसी फिल्म ग्रुप में अपनी अदाकारी का आगाज जिसकी पहली फीचर फिल्म उदाहरण चिंता थी अनस्वार्थी लाशें कामयाब मलयालम फिल्मों तानी और मंदंग दंगल सुपर शरानिया के जरिए मकबूलियत हासिल की। इन स्वार्जन पैदाइश 8 सितंबर
2002 कनौर केरला कौमियत हिंदुस्तानी पेशेवर अध्यक्ष 7 साल 2017 मौजूदा जिनकी दरमियान स्वाजन की पैदाइश 2002 को राजन शाह के यहाँ थी जो कैरिगियर कनौर के रहने वाले थे। इसकी तलीम सेंट मेरी गर्ल्स हाई स्कूल यानवर में हुई थी। अदाकारी कैरियर तरमीम अनवारसन में अपनी फिल्म अदाकारी का आगाज 2017 में दारनम सजिता के साथ किया जो संजिता कृष्णा के भाग्य बेटी थीरा कृष्ण जयचंद दिगर फिल्मों मुख्तलिफ किरदार अदा करने के बाद अंसवारा ने 2019 की फिल्म थानीर मतन दंगल में अपना मरकजी किरदार अदा किया। अंसवारजन 2022 में रिलीज होने वाली त्रिशा स्टार फिल्म जिंदगी के साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोडी फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें। अंसवारजन ने 2 किरदार अदा किए 2 या ज़्यादा फिल्मों के साथ। अंसवारा एक किरदार अदा किए वाला जल में तरमीम करें। अंसवारा जन 18 साल की हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया 8 सितंबर 2020 इसलंग लगाए बिन स्वार्जन ने सन्नर मैनिक मतलब दंगल जैसी किसी फिल्म से लुत्फानंदोज नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 जनवरी 2019 बाजाबशुदा टाइम्स ऑफ इंडिया दौलकर के साथ अदाकारी करने के मौका ख्वाब देखना चुवारा कहती है। अंग्रेजी अदाकारी अर्जुन रंगीस के साथ तमिल डेब्यू करेंगे हिंदुस्तान बेनमुरे किस दिन इस साल इंसवाजन अदारनम सीता के 3 साल पर टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2020 बाजाबशुदा 16 सितंबर 2021 वादी फिल्म का जायजा मजबूत अदाकारी एवेडी को बचाती है। सुपर शरानिया 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की आने वाली कॉमेडी फिल्म है जिसे ग्रेश एडी ने तरीर और हिदायतकारी की है। फिल्म में अनास्वारजन ने मरकजी किरदार अदा किए जबकि अर्जुन शुक्र ममिता बेजो नसलीन वफूर मामून किरदार अदा करे। इस फिल्म को शेन बेकर ग्रेश एडी ने प्रोड्यूस किया था और इसकी मौसीकी जस्टिन वर्गेज ने तरतीब दी थी। ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को मिले जुले जायजों के लिए रिलीज हुई लेकिन तजारती लिहाज से कामयाब रही। सुपर शरानिया थिएटर रिलीज पोस्टर ग्रेश एडी के जरिए हिदायतकार ग्रेश एडी के जरिए तैयार करदा शेन बेकर ग्रेश एडी अदाकारी अनवार संजन अशोकर ममिता बैजू नसलीन के गफूर सैनमाटोग्राफी साजिद प्रवेशन की तदवीर दकार टोशक वर्गेज मौसीकी जस्टन पैदावर कंपनियां शेन बेकर प्रोडक्शन सेंट्रल पिक्चर्स के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहाई 7 जनवरी 2022 वक्त 164 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मराली बॉक्स ऑफिस 23 करोड़ डॉलर लाशा शरानिया इंजीनियरिंग कॉलेज चाहती है और अपनी रूममेट से दोस्ती करती है। एक प्रोफेसर सीनियर और एक कम जमात से पसंद करता है और वो अपने राज की कमसरित करते हुए इजहार करते हैं कि इंस्टाग्राम के जरिए एक नौजवान बालिक दीपू के साथ रोमांस में था। वो अरनालकम के जरिए घूमते हुए गलती से इससे मिली और उसके प्रोफाइल का पता लगा। शरानिया उसके दोस्तों की कैंपस की जिंदगी करदार के बदलते साहिल को पूरी कहानी में कैद किया गया है। नासवा जन वासी शरणिया असुदीन सुपर शरानिया सुशारू अर्जुन अशुकन बतौर दीपो ममिता बेजू बतौर सोना थाम सोना रवि नसलीन के गफूर बतौर संगीत वनीत श्याम बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण राज साजन कचरो कायल बतौर दीप्ति किशोर अभिलाष कुमार वनीत वासदियन बतौर अजीत मैनन के जरिए किया गया है। वनीत वासी बतौर अजीत मैंने बतौर धारा बतौर वर्धन अनूठी वर्केश वासियत समेशन कैंडन बटमी बतौर वासदियोवन दीपू की माँ के तौर पर बंधु पनेकर रोजना जोशी बतौर शीरन कानी कसरवती देविका गोपाल नायर बतौर दीपिका स्नेहा बाबू बतौर दीप्ति दीपू की बहन चमकदार सारा संतोष शिवराज बतौर सुधी जमी डेनी बतौर जमी
अरुण ई हरिदास बतौर संजू, ज्योति विजय कुमार जस्टिन के तौर पर, श्रीकांत वटियार फेमिना बतौर और स्नो टीके, नागा बैजू कैरसना, श्री कुमार पार्वती अपन बतौर नविया सिवन, शारजन प्रोडक्शन इंडियन सुपर शरानियक ऐलान अगस्त 2020 में ग्रेश एडी की दूसरी हदायतकारी के जरिए किया गया था, जिसमें था निर्मतन दंगल के साथ अनास्वार्जन अर्जन शोकर मरकजी किरदारों में थे। कनाचका बोबन ने फिल्म के फर्स्ट लग पोस्टर करेक्टर पोस्टर का हिस्सा किया। फिल्म साजों की जानब से एक सेकंड लग पोस्टर सामने आया, जिसमें जनवरी 2022 को सिनेमा घर में फिल्म की रिलीज का ऐलान किया गया है। शिबन पैकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे ग्रेश एडी ने मिस्टर का दफ्तर प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी की, जबकि का जशव वर्गेश ने एडिटिंग किया। जैसे वर्गेश जो थानियर मतन बैनगा के मौसिक और बीट इन्हें मौसिक की तरतीब दी। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2020 में शुरू होने का कहा गया, लेकिन इसके बजाय दिसंबर 2020 में कोविड फैलने की वजह से शुरू किया गया। इसकी रिलीज की तारीख फिल्म 4 जनवरी 2022 को रिलीज हुई थी। तनकीदी रिदमल तरमीम करे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा है, कार्य की कहानी भी अपनी ही खूबसूरती में फंस गई। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, कुछ दास्तानें पनपति है जिसके बावजूद फिल्म एक ही मोहब्बत की कहानी को बार बार बयान करती है, कभी भी अपने उनवान की वजाहत नहीं करती। दी न्यूज मेंट ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा, जुदाई तौर पर शुरू होता है लेकिन प्लाट से हट जाता है। हालत में तरमीम करे परवीन ऐसा सुपर शरानी शनिया फिल्म का जायजा, कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। 27 जनवरी 2022 को बाजाब्त किया गया। सुपर शरानिया मंजिलों पर टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब्त किया गया। परवीन एस आर सुपर शरानिया फिल्म का जायजा, कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। हिंदू 3 अक्टूबर 2022 को बाजियाब्त किया गया। सुपर शरानिया में अनास्वार का किरदार दिलचस्प है। ग्रेश एडी टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2022 को बाजियाब्त किया गया। निर्मतन दंगल टीम की अगली सुपर शरानिया 2022 में पहुंचेगी। शर्मा एक्सप्रेस 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब्त किया गया। निर्मतन दंगल टीम की अगली फिल्म सुपर शरानिया दी न्यूज मिंट टाइम्स ऑफ इंडिया 24 अगस्त 2020 बाजियाब्त। 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया 18 न्यूज मलालियम 16 दिसंबर 2021 बाजियाब्त। 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया मूवी 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब्त किया गया। सुपर शरानिया मूवी का जायजा दर्जाबंदी इंडियन एक्सप्रेस मलालियम 7 जनवरी 2022 को बाजियाब्त किया। बिरूनी रवाता की तरमीम 5 दिन पहले फाइव समय में की मिटल कम जमीन थानी और मतन दंगल 2017 की फिल्म ग्रेश एडी स्वार्जन भारतीय रकार ग्रेश एडी फिल्म डायरेक्टर मासी दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए। राजधारी की पुलिस से स्मार्क ने खींच रहा डिस्टर्ब मैन मैनिकुलर तलाश कर इंसवार्जन आर्टिकल टॉक जबान PDF डाउनलोड कर देख रहे हैं। इंसवार्जन एक हिंदुस्तानी अदाकार जो बुनियादी तौर पर मलयालम फिल्मों में काम करती है। इसने मलयालम मुख्तसी फिल्म ग्रुप में अपनी अदाकारी का आगाज, जिसकी पहली फीचर फिल्म उदाहरण चिंता दी अनस्वार्थी लाशें कमयाब मलयालम फिल्मों तानी और मंदंग दंगल से पहचाने के जरिए मकबूलियत हासिल की। इंसवार्जन पैदाइश 8 सितंबर 2002 केरलर कनौर केरला कौमियत हिंदुस्तानी पेशावर अदक 7 साल 2017 मौजूदा पैदाइश जिनकी दरमियान इंसवार्जन की पैदाइश 8 सितंबर 2002 को राजन शाह के हाथ थी जो कैरिगियर कनौर के रहने वाले थे। इसकी तलीम सेंट मेरी गर्ल्स हाई स्कूल यानमौर में हुई थी। अदाकारी कैरियर तरमीम अनवारसन में अपनी फिल्म अदाकारी का आगाज 2017 में दारनम सजिता के साथ किया, जो संजिता कृष्णा के भाग्य बेटी
अथीरा कृष्ण जी चंद दिगर फिल्मों मुख्तलिफ किरदार अदा करने के बाद अंसवारा ने 2019 की फिल्म थानीर मतन दंगल में अपना मरकजी किरदार अदा किया। अंसवारजन 2022 में रिलीज होने वाली त्रिशा स्टार फिल्म जिंदगी के साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोडी फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें। अंसवारजन ने दो किरदार अदा किए, दो या ज़्यादा फिल्मों के साथ अंसवारा एक किरदार अदा किए वाला जल्द में तरमीम करें। अंसवारजन 18 साल की हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया 8 सितंबर 2020 अंसवारजन ने सन्नर मैनिक मतन दंगल जैसी किसी फिल्म से लुत्फानंदोज नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 जनवरी 2019 बाजाब शुदा टाइम्स ऑफ इंडिया दौलकर के साथ अदाकार करने के मौका ख्वाब देखना। अंसवारा कहती है अंग्रेजी अदाकारी अर्जुन रंगीस के साथ तमिल डेब्यू करेंगे। हिंदुस्तान बेरनमूर किस दिन इस साल अंसवारजन अदारनम सीता के 3 साल पर टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2020 बाजाब शुदा 16 सितंबर 2021 वादी फिल्म का जायजा मजबूत अदाकारी एवेडी को बचाती है। सुपर शरानिया 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की आने वाली कॉमेडी फिल्म है जिसे ग्रेश एडी ने तरीर और हदायतकारी की है। फिल्म में अंसवारजन ने मरकजी किरदार अदा किया जबकि अर्जुन शुक्र ममिता बेजू नसलीन वफूर मामून किरदार अदा करे। इस फिल्म को शेन बेकर ग्रेश एडी ने प्रोड्यूस किया था और इसकी मौसीकी जस्टिन वर्गेज ने तरतीब दी थी। ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को मिले जुले जायजों के लिए रिलीज हुई लेकिन तजारती लिहाज से कामयाब रही। सुपर शरानिया थिएटर रिलीज पोस्टर ग्रेश एडी के जरिए हदायतकार ग्रेश एडी के जरिए तैयार करता है। शेन बेकर ग्रेश एडी अदाकारी अनवर संजना अशोकर ममिता बैजू नसलीन गफूर सैनमाटोग्राफी साजिद प्रवेशन की तदवीद कास्ट अशोक वर्गेज मौसीकी जस्टन पैदावर कंपनियां शेन बेकर प्रोडक्शन सेंट्रल पिक्चर्स के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहाई 7 जनवरी 2022 वक्त चल रहा 164 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बॉक्स ऑफिस 1 करोड़ डॉलर राशा शरानिया इंजीनियरिंग कॉलेज चाहती है और अपनी रूममेट से दोस्ती करती है। एक प्रोफेसर सीनियर और एक कम जुमात से पसंद करता है और वो अपने राजगी को मुसरद करते हुए इजहार करते हैं कि इंस्टाग्राम के जरिए एक नौजवान बालिक दीपू के साथ रोमांस में था। वो अरनालकम के जरिए घूमते हुए गलती से इससे मिली और उसके प्रोफाइल का पता लगा। शेरानी और उसके दोस्तों की कैंपस की जिंदगी करदार के बदलते साहिल को पूरी कहानी में कैद किया गया है। नासवा जनवासी शरनिया असुदीन सुपर शरानिया शाहरुख अर्जुन अशोकन बतौर दीपू ममिता बेजू बतौर सोना थाम सोना रवि नसलीन के गफूर बतौर संगीत वनीत श्याम बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण राज साजन कचरो कायल बतौर दीप्ति किशोर अभिलाष कुमार वनीत वासदियन बतौर अजीत मैनन के जरिए किया गया है। वनीत वासिम बतौर अजीत मैनन बतौर धारा बतौर वर्दन अनूठी वर्गेज वासियत समेशन कैंडन वटमी बतौर वासदियोवन दीपू की माँ के तौर पर बंधु पनेकर रोजना जोशी बतौर शीरन कानी कसरवती देविका गोपाल नायर बतौर दीपिका स्नेहा बाबू बतौर दीप्ति दीपू की बहन चमकदार सारा संतोष शिवराज बतौर सुधी जमीन डेनी बतौर जमीन अरुण ई हरिदास बतौर संजू ज्योति विजय कुमार जस्टिन के तौर पर श्रीकांत वटियार फेमिना बतौर और स्नो टीके नागा बैजू कैरसना श्री कुमार पार्वती अपन बतौर नविया सिबन शारजन प्रोडक्शन इंडियन सुपर शरानिया ऐलान अगस्त 2020 में ग्रेश एडी की दूसरी हदायतकारी के जरिए किया गया था जिसमें थानीर मतन दंगल के साथ
नासवारजन अर्जन शोकर मरकजी किरदारों में थे। कनाचका बोबन ने फिल्म के फर्स्ट लग पोस्टर करेक्टर पोस्टर का हिस्सा किया। फिल्म साजों की जानब से एक सेकंड लग पोस्टर सामने आया, जिसमें जनवरी 2022 को सिनेमा घर में फिल्म की रिलीज का ऐलान किया गया है। शिबन पैकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे गुरेश रेड्डी ने मुश्तरका तौर पर प्रोड्यूस किया है। जबकि कार जैसा वर्गेश ने एडिटिंग किया, जैसे वर्गेश जथानियर मतन बैनगा केमोस रिकॉर्ड बीट इन्होंने मुसीकी तरतीब दी। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2020 में शुरू होने का कहा गया, लेकिन इसके बजाय दिसंबर 2020 में कोविड फैलने की वजह से शुरू किया गया। इसकी रिलीज की तारीख फिल्म 4 जनवरी 2022 को रिलीज हुई थी। तनकीदी रिदमल तरमीम करे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा है, काली की कहानी भी अपनी ही खूबसूरती में फंस गई। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, कुछ दास्तानें पनपती हैं जिसके बावजूद फिल्म एक ही मोहब्बत की कहानी को बार बार बयान करती है, कभी भी अपने उनवान की वजाहत नहीं करती। दी न्यूज़ मिनट ने 5 में 3 की रेटिंग दी और लिखा, जुदाई तौर पर शुरू होता है लेकिन प्लाट से हट जाता है। हालत में तरमीम करे परवीन ऐसा सुपर शरानी सुनिया फिल्म का जायजा, कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। 27 जनवरी 2022 को बाजाब्त किया गया सुपर सरानिया मंजिलों पर टाइम्स ऑफ इंडिया। 18 दिसंबर 2021 को बाजाब किया गया परवीन एस आर सुपर शरानिया फिल्म का जायजा, कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। हिंदू 3 अक्टूबर 2022 को बाजाब किया गया सुपर शरानिया में अनासवार का किरदार दिलचस्प है। ग्रेश हेडी टाइम्स ऑफ इंडिया। 18 दिसंबर 2022 को बाजाब किया गया रतन दंगल टीम की अगली सुपर शरानी है। जनवरी 2022 में इस पहुंचेगी सिनेमा एक्सप्रेस। 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब किया गया रतन दंगल टीम की अगली फिल्म सुपर शरानिया। दी न्यूज मिंट टाइम्स ऑफ इंडिया। 24 अगस्त 2020 बाजियाब से 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया। 18 न्यूज़ मलालियम 16 दिसंबर 2021 बाजियाब से 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया मूवी। 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब किया गया सुपर शरानिया मूवी का जायजा और दर्जाबंदी। इंडियन एक्सप्रेस मलालियम 7 जनवरी 2022 को बाजियाब किया ब्रूनी रावता की तरमीम। 5 दिन पहले फाइव समय की मतलब कम जमीन थानी और मतन दंगल 2017 की फिल्म ग्रेश हेडी स्वार्जन भारतीय लगा ग्रेश हेडी फिल्म डायरेक्टर मासी बादशाह की तदस्या दब तक की दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए। राजधारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शराब डिस्टर्ब मैन मैनिकुलर तलाश कर इंसवार्जन आर्टिकल टॉक जबान PDF डाउनलोड कर देखने में इंसवार्जन एक हिंदुस्तानी अदाकार जो बुनियादी तौर पर मलयालम फिल्मों में काम करती है। इसने मलयालम मुक्तसी फिल्म ग्रुप में अपनी अदाकारी का आगाज, जिसकी पहली फीचर फिल्म उदाहरण चिंता थी अनस्वादी लाशें कामयाब। मलयालम फिल्मों तानियर मंदंग दंगल सुपर शाने के जरिए मकबूलियत हासिल की। इंसवार्जन पैदाइश 8 सितंबर 2002 केरलर कन्नौर केरला कौमियत हिंदुस्तानी पेशावर अध्यक्ष 7 साल 2017 मौजूदा पैदाइश जिनकी दरमियान इंसवार्जन की पैदाइश 8 सितंबर 2002 को राजन शाह के हाथ थी जो कैरियर कन्नौर के रहने वाले थे। इसकी तलीम सेंट मेरी गर्ल्स हाई स्कूल यानमोर में हुई थी। अदाकारी कैरियर तरमीम अनवारसन में अपनी फिल्म अदाकारी का आगाज 2017 में दारनम सजिता के साथ किया, जो संजिता कृष्णा के भाग्य बेटी थीरा कृष्ण जयचंद दिगर फिल्मों मुक्ति से किरदार अदा करने के बाद अनस्वारा ने 2019 की फिल्म थानीर मतन दंगल में अपना मरकजी किरदार अदा किया। अनस्वारजन 2022 में रिलीज होने वाली त्रिशा स्टार फिल्म जिंदगी के साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोडी फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें। अनस्वारजन ने 2 किरदार अदा किए, 2 या ज़्यादा फिल्मों के साथ अनस्वारा एक किरदार अदा किया वाला जल्द में तरमीम करें। अनस्वारजन 18 साल की हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया
8 सितंबर 2020 श्रीलंका के एबिन सुहार्जन ने सन्नर मैनिंग मतलब दंगल जैसी किसी फिल्म से लुत्फानंदोज नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 जनवरी 2019 बाजाबशुदा टाइम्स ऑफ इंडिया दौलकर के साथ अदाकारी करने के मौका ख्वाब देखना अनुस्वारा कहती है। अंग्रेजी अदाकारी अर्जुन रंगीस के साथ तामिल डेब्यू करेंगे हिंदुस्तान बिरानमूरे किस दिन इस साल इंसवाजन अदारनम सीता के 3 साल पर टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2020 बाजाबशुदा 16 सितंबर 2021 वादी फिल्म का जायजा मजबूत अदाकारी एवेडी को बचाती है। सुपर शरानिया 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की आने वाली कॉमेडी फिल्म है जिसे ग्रेश एडी ने तरीर और हिदायतकारी की है। फिल्म में अन्ना सुहार्जन ने मरकजी किरदार अदा किया जबकि अर्जुन शुक्र ममिता बेजो नसलीन वफूर माउन किरदार अदा कर रहे। इस फिल्म को शेन बेकर ग्रेश एडी ने प्रोड्यूस किया था और इसकी मौसीकी जस्टिन वर्गेज ने तरतीब दी थी। ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को मिले जुले जायजों के लिए रिलीज हुई लेकिन तजारती लिहाज से कामयाब रही। सुपर शरानिया थिएटर रिलीज पोस्टर ग्रेश एडी के जरिए हिदायतकार ग्रेश एडी के जरिए तैयार करदा शेन बेकर ग्रेश एडी अदाकारी अनवर संजीदा ने शुक्र ममिता बैजू नसलीन के गफूर सैनमाटोग्राफी साजिद प्रोवेशन की तदवीर दकाशक वर्गेज मौसीकी जस्टन पैदावर कंपनियां शेन बेकर प्रोडक्शन सेंट्रल पिक्चर्स के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहाई 7 जनवरी 2022 वक्त चल रहा 164 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मराठी बॉक्स ऑफिस $1 करोड़ लाशा शरानिया इंजीनियरिंग कॉलेज चाहती है और अपनी रूममेट से दोस्ती करती है। एक प्रोफेसर सीनियर और एक कम जमात से पसंद करता है और वो अपने राज की कमसरित करते हुए इजहार करते हैं कि इंस्टाग्राम के जरिए एक नौजवान बालिक दीपू के साथ रोमांस में था। वो अरनालकम के जरिए घूमते हुए गलती से इससे मिली और उसके प्रोफाइल का पता लगा। शरानिया उसके दोस्तों की कैंपस की जिंदगी करदार के बदलते कसाइल को पूरी कहानी में कैद किया गया है। नासवा जन वासी शरानिया असुदीन सुपर शरानिया सुशारू अर्जुन अशुकन बतौर दीपू ममिता बेजू बतौर सोना थाम सोना रवि नसलीन के गफूर बतौर संगीत वनीत श्याम बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण राज साजन कचरो काइल बतौर दीप्ति किशोर अभिलाष कुमार वनीत वासदियन बतौर अजीत मैनन के जरिए किया गया है। वनीत वासन बतौर अजीत मैनन बतौर धारा बतौर वर्धन अनूठी वर्गेज वासियत समेशन कैंडन वटमी बतौर वासदियोवन दीपू की माँ के तौर पर बंधु पनेकर रोजना जोशी बतौर शीरन कहानी कसरवती देविका गोपाल नायर बतौर दीपिका स्नेहा बाबू बतौर दीप्ति दीपू की बहन चमकदार सारा संतोष शिवराज बतौर सुदी जमी डेनी बतौर जमी अरुण ई हरिदास बतौर संजू ज्योति विजय कुमार जस्टिन के तौर पर श्रीकांत वटियार फेमिना बतौर और सुनो टीके नागा बैजू कैरसना श्री कुमार पार्वती अपन बतौर नविया सिबन शारजन प्रोडक्शन इंडियन सुपर शरानिया ऐलान 2020 में ग्रेश एडी की दूसरी हदायतकारी के जरिए किया गया था जिसमें थानिर मतन दंगल के साथ अनासवार्जन अर्जन शोकर मरकजी किरदारों में थे। कनाचका बोबन ने फिल्म के फर्स्ट लग पोस्टर करेक्टर पोस्टर का हिस्सा किया। फिल्म साजों की जानब से एक सेकंड लग पोस्टर सामने आया जिसमें जनवरी 2022 को सिनेमा घर में फिल्म की रिलीज का ऐलान किया गया है। शिबन पैकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे ग्रेश एडी ने मुश्तरका तौर पर प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूसर का प्रोड्यूसर सजीत प्रोडक्शन ने सिनेमाटोग्राफी की जबकि काजेश वर्गेश
ने एडिटिंग किया, जिससे विर्गेल जोथानियर मतन बेनगा केमोशी कॉर्बिट इन एनिमेशन की तरतीब दी। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2020 में शुरू होने का कहा गया, लेकिन इसके बजाय दिसंबर 2020 में कोविड फैलने की वजह से शुरू किया गया। इसकी रिलीज की तारीख फिल्म 4 जनवरी 2022 को रिलीज हुई थी। तनकीदी रिदमल तरमीम करे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा है, काली की कहानी भी अपनी ही खूबसूरती में फंस गई। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, कुछ दास्तानें पनपति हैं जिसके बावजूद फिल्म एक ही मोहब्बत की कहानी को बार बार बयान करती है, कभी भी अपने उनवान की वजाहत नहीं करती। दी न्यूज मेंट ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा है, जुदाई तौर पर शुरू होता है लेकिन प्लाट से हट जाता है। हालत में तरमीम करे परवीन ऐसा सुपर शरानी चुनिया फिल्म का जायजा, कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। 6 जनवरी 2022 को बाजाब्त किया गया सुपर सरानिया मंजिलों पर है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2021 को बाजाब्त किया गया परवीन एस आर सुपर शरानिया फिल्म का जायजा, कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। हिंदू 3 अक्टूबर 2022 को बाजाब्त किया गया सुपर शरानिया में अनासवार का किरदार दिलचस्प है ग्रेस हेडी। टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2022 को बाजाब्त किया गया नीर रतन दंगल टीम की अगली सुपर शरानिया 1 जनवरी 2022 में पहुंचेगी। शर्मा एक्सप्रेस 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब्त किया गया नीर रतन दंगल टीम की अगली फिल्म सुपर शरानिया दी न्यूज मिंट टाइम्स ऑफ इंडिया 24 अगस्त 2020 बाजियाब्त 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया। 18 न्यूज मलालियम 16 दिसंबर 2021 बाजियाब्त 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया मूवी। 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब्त किया गया सुपर शरानिया मूवी का जायजा दर्जाबंदी। इंडियन एक्सप्रेस मलालियम 7 जनवरी 2022 को बाजियाब्त किया बिरूनी रावता क्षेत्र में 5 दिन पहले फाइव समय में कि मिटल कम जमीन थानी और मतन दंगल 2017 की फिल्म ग्रेस हेडी स्वार्जन भारतीय अदाकार ग्रेस हेडी फिल्म डायरेक्टर मुआसी सिबासा की तदस्या तक के दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए। राजधारी की पुलिस से स्मार्ट करने की शराब डिस्टर्ब मैन मैनिकुलर तलाश कर इंसवार्जन आर्टिकल टॉक जबान PDF डाउनलोड कर देखकर मैम इंसवार्जन एक हिंदुस्तानी अदाकार जो बुनियादी तौर पर मलयालम फिल्मों में काम करती है। इसने मलयालम मुक्तसी फिल्म ग्रुप में अपनी अदाकारी का आगाज जिसकी पहली फीचर फिल्म उदाहरण चिंता दी अनस्वार्थी लासिक कामयाब मलयालम फिल्मों तानी और मंदंग दंगल से ऊपर जाने के जरिए मकबूलियत हासिल की। स्वार्जन पैदाइश 8 सितंबर 2002 केरलर कन्नौर केरला कौमियत हिंदुस्तानी पेशावर अध्यक्ष 7 साल 2017 मौजूदा पैदाइश जिनकी दरमियान स्वार्जन की पैदाइश 8 सितंबर 2002 को राजन शाह के हाथ थी जो कैलीगियर कन्नौर के रहने वाले थे। इसकी तलीम सेंट मेरी गर्ल्स हाई स्कूल यानमार में हुई थी। अदाकारी कैरियर तरमीम अनवारसन में अपनी फिल्म अदाकारी का आगाज 2017 में दारनम सजिता के साथ किया जो संजिता कृष्णा के भाग्य बेटी थीरा कृष्ण जयचंद दिगर फिल्मों मुख्तिस किरदार अदा करने के बाद अनस्वारा ने 2019 की फिल्म थानीर मतन दंगल में अपना मरकजी किरदार अदा किया। अनस्वारजन 2022 में रिलीज होने वाली त्रिशा स्टार फिल्म जिंदगी के साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोडी फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें। अनस्वारजन ने 2 किरदार अदा किए 2 या ज़्यादा फिल्मों के साथ अनस्वारा एक किरदार अदा किए वाला जल में तरमीम करें। अनस्वारजन 18 साल की हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया 8 दिसंबर 2020 इसलंग लगाए अनस्वारजन ने सन्नर मैनिक मतलब दंगल जैसी किसी फिल्म से लुत्फानंदोज नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 जनवरी 2019 बाजाब शुदा टाइम्स ऑफ इंडिया दौलकर के साथ अदाकारी करने के मौका ख्वाब देखना अनस्वारा करती है। अंग्रेजी अदाकारी अर्जुन रंगीस के साथ तमिल डेब्यू करेंगे हिंदुस्तान बिरनमुरे के दिन इस साल। अनस्वारजन अदारनम सीता के 3 साल पर टाइम्स ऑफ इंडिया 28 दिसंबर 2020 बाजाब शुदा 16 दिसंबर 2021 वादी फिल्म का जायजा मजबूत
अदाकारी अवेडी को बचाती है। सुपर शरानिया 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की आने वाली कॉमेडी फिल्म है जिसे ग्रेश एडी ने तरीर और हिदायतकारी की है। फिल्म में अनास्वार्जन ने मरकजी किरदार अदा किया जबकि अर्जुन शुक्र ममिता बेजो नसलीन वो माउन किरदार अदा कर रहे। इस फिल्म को शेन बेकर ग्रेश एडी ने प्रोड्यूस किया था और इसकी मौसीकी जस्टिन वर्गेज ने तरतीब दी थी। ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को मिले जुले जायजों के लिए रिलीज़ हुई लेकिन तजारती लिहाज से कामयाब रही। सुपर शरानिया थिएटर रिलीज पोस्टर ग्रेश एडी के जरिए हिदायतकार ग्रेश एडी के जरिए तैयार करदा शेन बेकर ग्रेश एडी अदाकारी अनवार संजन अशोकर ममिता बैजो नसलीन गफूर सैनमाटोग्राफी साजिद प्रवेशन की तदवीर दकार टोशक वर्गेज मौसीकी जस्टन पैदावर कंपनियां शेन बेकर प्रोडक्शन फंसीगर सेंट्रल पिक्चर्स के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहाई 7 जनवरी 2022 वक्त चल रहा 164 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बॉक्स ऑफिस $1 करोड़ लासा शरानिया निकारी चाहती है और अपनी रूममेट से दोस्ती करती है। एक प्रोफेसर सीनियर और एक कम जमात से पसंद करता है और वो अपने राज की कमसरित करते हुए इजहार करते हैं कि इंस्टाग्राम के जरिए एक नौजवान बालिक दीपू के साथ रोमांस में था। वो अरनालकम के जरिए घूमते हुए गलती से इससे मिली और उसके प्रोफाइल का पता लगा। शरानिया उसके दोस्तों की कैंपस की जिंदगी करदार के बदलते कसाइल को पूरी कहानी में कैद किया गया है। नासवा जनवासी शरानिया असुदीन सुपर शरानिया शाहरुख अर्जुन अशुकन बतौर दीपो ममिता बेजू बतौर सोना थाम सोना रवि नसलीन के कपूर बतौर संगीत वनीत श्याम बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण राज साजन कचरो कायल बतौर दीप्ति किशोर अभिलाष कुमार वनीत वासदियन बतौर अजीत मैनन के जरिए किया गया है। वनीत वासिम बतौर अजीत मैनन बतौर धारा बतौर वर्दन अनूठी वर्केश वासियत स्मेशन कैंडन बटमी बतौर वासदियोवन दीपू की माँ के तौर पर बंधु पनेकर रोजना जोशी बतौर शीरन कानी कसरवती देविका गोपाल नायर बतौर दीपिका स्नेहा बाबू बतौर दीप्ति दीपू की बहन चमकदार सारा संतोष शिवराज बतौर सुधी जमी डेनी बतौर जमी अरुण ई हरिदास बतौर संजू ज्योति विजय कुमार जस्टिन के तौर पर श्रीकांत वटियार फेमिना बतौर और स्नोर टीके नागा बैजू कैरसना श्री कुमार पार्वती अपन बतौर नविया सिबन शारजन प्रोडक्शन इंडियन सुपर शरानिया ऐलान अगस्त 2020 में ग्रेश एडी की दूसरी हदायतकारी के जरिए किया गया था जिसमें थानिर मतन दंगल के साथ अनास्वार्जन अर्जुन शोकर मरकजी किरदारों में थे। कनाचका बोबन ने फिल्म के फर्स्ट लग पोस्टर करेक्टर पोस्टर का हिस्सा किया। फिल्म साजों की जानब से एक सेकंड लग पोस्टर सामने आया जिसमें जनवरी 2022 को सिनेमा घर में फिल्म की रिलीज का ऐलान किया गया है। शिबन पैकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे ग्रेश एडी ने मुश्तरका तौर पर प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस किया जैसे ग्रेश मिश्रका तो प्रोड्यूस सजीत प्रोशन ने सिनेमाटोग्राफी की जबकि काजेश वर्गेश ने एडिटिंग किया जैसे वर्गेश जो थानियर मतन बैनगा के मौसिक और बीट इन्होंने मौसीकी तरतीब दी। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2020 में शुरू होने का कहा गया लेकिन इसके बजाय दिसंबर 2020 में कोविड फैलने की वजह से शुरू किया गया। इसकी रिलीज की तारीख फिल्म 7 जनवरी 2022 को रिलीज हुई थी। तनकीदी रिदमल तरमीम करे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से
ट्रेन की रेटिंग दी और लिखा है काली की कहानी भी अपनी ही खूबसूरती में फंस गई। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कुछ दास्तानें पनपती है जिसके बावजूद फिल्म एक ही मोहब्बत की कहानी को बार बार बयान करती है, कभी भी अपने अनुमान की वजाहत नहीं करती। दी न्यूज़ मेंट ने बाद में सीन की रेटिंग दी और लिखा है जुदाई तौर पर शुरू होता है लेकिन प्लाट से हट जाता है, हालत में तरमीम करे परवीन ऐसा सुपर शरानी। शनिया फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। 26 जनवरी 2022 को बाजाब्त किया गया सुपर शरानिया मंजिलों पर है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2021 को बाजाब्त किया गया परवीन एस आर सुपर शरानिया फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। हिंदू 3 अक्टूबर 2022 को बाजाब्त किया गया सुपर शरानिया में अनासवार का किरदार दिलचस्प है ग्रेस हेडी। टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2022 को बाजाब्त किया गया नीर रतन दंगल टीम की अगली सुपर शरानिया 1 जनवरी 2022 में पहुँच जाएगी। शर्मा एक्सप्रेस 18 दिसंबर 2021 को बाजियाबाद किया गया थीन रतन दंगल टीम की अगली फिल्म सुपर शरानिया दी न्यूज़ मिंट टाइम्स ऑफ इंडिया 26 अगस्त 2020 बाजियाब 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया 18 न्यूज़ मलालियम 16 दिसंबर 2021 बाजियाब 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया मूवी 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब्त किया गया सुपर शरानिया मूवी का जायजा और दर्जा बंदी। इंडियन एक्सप्रेस मलालियम 7 जनवरी 2022 को बाजियाब्त किया गया तरमीम बांध देने पहले आप समझने में कि मतलब कम जमीन थानी और मतलब दंगल 2017 की फिल्म ग्रेस हेडी स्वार्जन भारतीय लगा ग्रेस हेडी फिल्म डायरेक्टर मासी बादशाह की तदस्य अब तक की दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए। राजधारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शराब डिस्टर्ब मैन मैनिकुलर तलाश कर स्वार्जन आर्टिकल टॉक जबान PDF डाउनलोड कर देखने में मीन स्वार्जन एक हिंदुस्तानी अदाकार जो बुनियादी तौर पर मलयालम फिल्मों में काम करती है। इसने मलयालम मुख्तसी फिल्म ग्रुप में अपनी अदाकारी का आगाज जिसकी पहली फीचर फिल्म उदाहरण चिंता दी अनस्वार लाशें कमयाब मलयालम फिल्मों तानियर मंदंग दंगल सुपर शरानिया के जरिए मकबूलियत हासिल की। स्वार्जन पैदाइश 8 सितंबर 2002 केरलर कन्नौर केरला कौमियत हिंदुस्तानी पेशावर अध्यक्ष 7 साल 2017 मौजूदा अध्यक्ष जिनकी दरमियान स्वार्जन की पैदाइश 8 सितंबर 2002 को राजन शाह के हाथी जो कैरिगियर कन्नौर के रहने वाले थे। इसकी तलीम सेंट मेरी गर्ल्स हाई स्कूल यानमोर में हुई थी। अदाकारी कैरियर तरमीम अनवारसन में अपनी फिल्म अदाकारी का आगाज 2017 में दारनम सजिता के साथ किया जो संजिता कृष्णा के भाग्य बेटी थीरा कृष्ण जयचन दिगर फिल्मों मुख्तलिफ किरदार अदा करने के बाद अनस्वारा ने 2019 की फिल्म थानीर मतन दंगल में अपना मरकजी किरदार अदा किया। अनस्वारजन 2022 में रिलीज होने वाली त्रिशा स्टार फिल्म जिंदगी के साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोडी फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें। अनस्वारजन ने 2 किरदार अदा किए 2 या ज़्यादा फिल्मों के साथ अनस्वारा एक किरदार अदा किया वाला जल में तरमीम करें। अनस्वारजन 18 साल की हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया 8 दिसंबर 2020 इसलंग अनस्वारजन ने सन्नर मैनिक मतलब दंगल जैसी किसी फिल्म से लुत्फानंदोज नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 जनवरी 2019 बाजाब शुदा टाइम्स ऑफ इंडिया दौलकर के साथ अदाकारी करने के मौका ख्वाब देखना अनस्वारा करती है। अंग्रेजी अदाकारी अर्जुन रंगीस के साथ तमिल डेब्यू करेंगे। हिंदुस्तान बिरनमुरे किस दिन इस साल अनस्वारजन अदारनम सीता के 3 साल पर टाइम्स ऑफ इंडिया 28 दिसंबर 2020 बाजाब शुदा 16 दिसंबर 2021 वादी फिल्म का जायजा मजबूत अदाकारी एवेडी को बचाती है। सुपर शरानिया 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की आने वाली कॉमेडी फिल्म है जिसे ग्रेस एडी ने तरीर और हिदायतकारी की है। फिल्म में अनस्वारजन ने मरकजी किरदार अदा किया जबकि अर्जुन शुक्र ममिता बेजू नसलीन वो माउन किरदार अदा करे। इस फिल्म को शेन बेकर ग्रेस एडी
ने प्रोड्यूस किया था और इसकी मौसीकी जस्टिन वर्गेज ने तरतीब दी थी। ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को मिले जुले जायजों के लिए रिलीज हुई, लेकिन तजारती लिहाज से कामयाब रही। सुपर शरानिया थिएटर रिलीज पोस्टर ग्रेश एडी के जरिए हदायतकार ग्रेश एडी के जरिए तैयार करदा है। शेन बेकर ग्रेश एडी अदाकारी अनवार संजीदा ने शुक्र ममिता बैजू नसलीन के गफूर सैनमाटोग्राफी साजिद प्रवेशन की तदवीर दकार टोशक वर्गेज मौसीकी जस्टन पैदावर कंपनियां शेन बेकर प्रोडक्शन फंसीगर सेंट्रल पिक्चर्स के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहाई 7 जनवरी 2022 वक्त चल रहा 164 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मराठी बॉक्स ऑफिस $1 करोड़ लासा शरानिया इंजीनियरिंग कॉलेज चाहती है और अपनी रूममेट से दोस्ती करती है। एक प्रोफेसर सीनियर और एक कम जमात से पसंद करता है और वो अपने राज की कमसरित करते हुए इजहार करते हैं कि इंस्टाग्राम के जरिए एक नौजवान बालिक दीपू के साथ रोमांस में था। वो अरनालकम के जरिए घूमते हुए गलती से इससे मिली और उसके प्रोफाइल का पता लगा। शेरानी और उसके दोस्तों की कैंपस की जिंदगी करदार के बदलते साहिल को पूरी कहानी में कैद किया गया है। नासवा जनवासी शरणिया असुदीन सुपर शरानिया सुशारू अर्जुन अशुकन बतौर दीपो ममिता बेजू बतौर सोना थाम सोना रवि नसलीन के गफूर बतौर संगीत वनीत श्याम बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण राज साजन कचरो कायल बतौर दीप्ति किशोर अभिलाष कुमार वनीत वासवियन बतौर अजीत मैनन के जरिए किया गया है। वनीत वासन बतौर अजीत मैनन बतौर धारा बतौर वर्धन अनूठी वर्गेज वासियत स्मेशन कैंडन वटमी बतौर वासदियोवन दीपू की माँ के तौर पर बंधु पनेकर रोजना जोशी बतौर शीरन कानी कसरवती देविका गोपाल नायर बतौर दीपा स्नेहा बाबू बतौर दीप्ति दीपू की बहन चमकदार सारा संतोष शिवराज बतौर सुधी जमी डेनी बतौर जमी अरुण ई हरिदास बतौर संजू ज्योति विजय कुमार जस्टिन के तौर पर श्रीकांत वटियार फेमिना बतौर और स्नो टीके नागा बैजू कैरसना श्री कुमार पार्वती अपन बतौर नविया सिबन शारजन प्रोडक्शन इंडियन सुपर शरानिया ऐलान अगस्त 2020 में ग्रेश एडी की दूसरी हदायतकारी के जरिए किया गया था, जिसमें थानिर मतन दंगल के साथ अनासवार्जन अर्जन शोकर मरकजी किरदारों में थे। कनाचका बोबन ने फिल्म के फर्स्ट लक पोस्टर करेक्टर पोस्टर का हिस्सा किया। फिल्म साजों की जानब से एक सेकंड लक पोस्टर सामने आया, जिसमें जनवरी 2022 को सिनेमा घर में फिल्म की रिलीज का ऐलान किया गया है। शिबन पैकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे ग्रेश एडी ने मुश्तरका तौर पर प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी की जबकि काजेशव वर्गेश ने एडिटिंग किया। जैसे वर्गेश जो थानियर मतन बैनगा के मोशी कॉर्बिट इन्होंने मौसीकी तरतीब दी। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2020 में शुरू होने का कहा गया, लेकिन इसके बजाय दिसंबर 2020 में कोविड फैलने की वजह से शुरू किया गया। इसकी रिलीज की तारीख फिल्म 7 जनवरी 2022 को रिलीज हुई थी। तनकीदी रिदमल तरमीम करे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा है काली की कहानी भी अपनी ही खूबसूरती में फंस गई। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कुछ दास्तानें पनपति हैं, जिसके बावजूद फिल्म एक ही मोहब्बत की कहानी को बार बार बयान करती है, कभी भी अपने उनवान की वजाहत नहीं करती। दी न्यूज मेंट ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा जुदाई तौर पर शुरू होता है लेकिन प्लाट से हट जाता है। हालत में तरमीम करे परवीन ऐसा सुपर शरानी
चुनिया। फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। 26 जनवरी 2022 को बाजाब्त किया गया। सुपर सरानिया मंजिलों पर है। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2021 को बाजाब्त किया गया। परवीन एस आर सुपर सरानिया फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। हिंदू 3 अक्टूबर 2022 को बाजाब्त किया गया। सुपर सरानिया में अनासवार का किरदार दिलचस्प है। ग्रेस हेडी टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2022 को बाजियाब्त किया गया। नीर रतन दंगल टीम की अगली सुपर सरानिया 1 जनवरी 2022 में पहुंचेगी। शर्मा एक्सप्रेस 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब्त किया गया। नीर रतन दंगल टीम की अगली फिल्म सुपर सरानिया द न्यूज़ मिंट टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया 24 अगस्त 2020 बाजियाब्त 18 दिसंबर 2021 सुपर सरानिया। मलालियम 16 दिसंबर 2021 बाजियाब 18 दिसंबर 2021 सुपर सरानिया मूवी 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब किया गया। सुपर सरानिया मूवी का जायजा दर्जाबंदी इंडियन एक्सप्रेस मलालियम 7 जनवरी 2022 को बाजियाब किया। अभिनेत्री रवता की तरमीम बांध लेने पहले फाइव समय की मतलब कम जमीन थानी और मतन दंगल 2017 की फिल्म ग्रे शेडी स्वाजन भारतीय लगा ग्रे शेडी फिल्म डायरेक्टर मुआशी सिबासा की तदस्या दब तक के दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए। राजधारी की पुलिस से स्मार्ट करने की शराब डिस्टर्ब मैन मैनिकुलर तलाश कर स्वाजन आर्टिकल टॉक जबान पी डी एफ डाउनलोड कर देख रहे मैं स्वाजन एक हिंदुस्तानी अदाकार जो बुनियादी तौर पर मलालम फिल्मों में काम करी। इसने मलालम मुख्तसी फिल्म ग्रुप में अपनी अदाकारी को कहा जिसकी पहली फीचर फिल्म उदाहरण चिंता दी अनस्वादी लाशिक कामयाब मलालम फिल्मों तानी और मंदंग दंगल से ऊपर जाने के जरिए मकबूलियत हासिल की। इन स्वार्जन पैदाइश 8 सितंबर 2002 क्रेलर कनौर केरला कौमियत हिंदुस्तानी पेशावर अध्यक्ष 7 साल 2017 मौजूदा जिनकी दरमियान इन स्वार्जन की पैदाइश 8 सितंबर 2002 को राजन शके हाथी जो कैरिगियर कनौर के रहने वाले थे। इसकी तलीम सेनेट मेरी गर्ल्स हाई स्कूल यानवर में हुई थी। अदाकारी कैरियर तरमीम अनवारसन में अपनी फिल्म अदाकारी का आगाज 2017 में दारनम सजिता के साथ किया जो संजिता कृष्णा के भाग्य बेटी थीरा कृष्ण जयचंद दिगर फिल्मों मुख्तलिफ से किरदार अदा करने के बाद अनस्वारा ने 2019 की फिल्म थानीर मतन दंगल में अपना मरकजी किरदार अदा किया। अनस्वारजन 2022 में रिलीज होने वाली त्रिशा स्टार फिल्म जिंदगी के साथ तामिल फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोडी फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें। अनस्वारजन ने 2 किरदार अदा किए 2 या ज़्यादा फिल्मों के साथ अनस्वारा एक किरदार अदा किए वाला जल्द में तरमीम करें। अनस्वारजन 18 साल की हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया 8 दिसंबर 2020 इसलंग लगाए बिन स्वारजन ने सन्नर मैनिक मतलब दंगल जैसी किसी फिल्म से लुत्फानंदोज नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 जनवरी 2019 बाजाब शुदा टाइम्स ऑफ इंडिया दौलकर के साथ अदाकारी करने के मौका ख्वाब देखना अनस्वारा करती है। अंग्रेजी अदाकारी अर्जुन रंगीस के साथ तामिल डेब्यू करेंगे। हिंदुस्तान बिरमूरक इस दिन इस साल अनस्वारजन अदारनम सीता के 3 साल पर टाइम्स ऑफ इंडिया 28 दिसंबर 2020 बाजाब शुदा 16 दिसंबर 2021 वादी फिल्म का जायजा मजबूत अदाकारी एवेडी को बचाती है। सुपर सरानिया 2022 की हिंदुस्तानी मलालियम जबान की आने वाली कॉमेडी फिल्म है जिसे ग्रेश एडी ने तरीर और हिदायतकारी की है। फिल्म में अनस्वारजन ने मरकजी किरदार अदा किया जबकि अर्जुन शुक्र ममिता बेजो नसलीन वो माउन किरदार अदा कर रहे। इस फिल्म को शेन बेकर ग्रेश एडी ने प्रोड्यूस किया था और इसकी मौसीकी जस्टिन वर्गेज ने तरतीब दी थी। ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को मिले जुले जायजों के लिए रिलीज हुई लेकिन तजारती लिहाज से कामयाब रही। सुपर सरानिया थिएटर रिलीज पोस्टर ग्रेश एडी के जरिए हिदायतकार ग्रेश एडी के जरिए तैयार करता है। शेन बेकर ग्रेश एडी अदाकारी अनवार संजन अशोकर ममिता बैजो नसलीन गफूर सैनमाटोग्राफी साजिद प्रवेशन की तदवीर दकार टोशक वर्गेज मौसीकी जस्टन पैदावर कंपनियां शेन बेकर
प्रोडक्शन फंसेगा। सेंट्रल पिक्चर्स के जरिए तकसीम किया गया तारीख रहाई 7 जनवरी 2022 वक्त चल रहा 164 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मराठी बॉक्स ऑफिस 1 करोड़ डॉलर खुलासा शरानिया ये निकारी चाहती है और अपनी रूममेट से दोस्ती करती है। एक प्रोफेसर सीनियर और एक कम जमात से पसंद करता है और वो अपने राज की कमसरित करते हुए इजहार करते हैं कि इंस्टाग्राम के जरिए एक नौजवान बालिक दीपू के साथ रोमांस में था। वो अरनालकम के जरिए घूमते हुए गलती से इससे मिली और उसके प्रोफाइल का पता लगा। शेरानिया उसके दोस्तों की कैंपस की जिंदगी करदार के बदलते साहिल को पूरी कहानी में कैद किया गया है। नासवा जन वासी शरणिया असुदीन सुपर शरानिया सुशारू अर्जुन अशुकन बतौर दीपो ममिता बेजू बतौर सोना थाम सोना रवि नसलीन के गफूर बतौर संगीत वनीत श्याम बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण राज साजन कचरो कायल बतौर दीप्ति किशोर अभिलाष कुमार वनीत वासदियन बतौर अजीत मैनन के जरिए किया गया है। वनीत वासियन बतौर अजीत मैनन बतौर धारा बतौर वर्दन अनूठी वर्केश वासियत स्मेशन कैंडन बटमी बतौर वासदियोवन दीपू की माँ के तौर पर बंधु पनेकर रोजना जोशी बतौर शीरन कहानी कसरवती देविका गोपाल नायर बतौर दीपिका स्नेहा बाबू बतौर दीप्ति दीपू की बहन चमकदार सारा संतोष शिवराज बतौर सुधी जमीन डेनी बतौर जमी अरुण ई हरिदास बतौर संजू ज्योति विजय कुमार जस्टिन के तौर पर श्रीकांत वटियार फेमिना बतौर और स्नोर टीके नागा बैजू कैरसना श्री कुमार पार्वती अपन बतौर नविया सिबन शारजन प्रोडक्शन इंडियन सुपर शरानिया ऐलान अगस्त 2020 में ग्रेश एडी की दूसरी हदायतकारी के जरिए किया गया था जिसमें थानिर मतन दंगल के साथ अनासवा अर्जन शोकर मरकजी किरदारों में थे। कनाचका बोबन ने फिल्म के फर्स्ट लग पोस्टर करेक्टर पोस्टर का साकी फिल्म साजों की जानब से एक सेकंड लग पोस्टर सामने आया जिसमें जनवरी 2022 को सिनेमा घर में फिल्म की रिलीज का ऐलान किया गया है। शिबन पैकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे ग्रेश एडी ने मुश्तरका तौर पर प्रोड्यूस किया है। सिनेमेटोग्राफी की जबकि काजेश वर्गेश ने एडिटिंग किया जैसे वर्गेश जो थानियर मतन बैनगा के मौसिक और बीट इन्होंने मौसिक की तरतीब दी। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2020 में शुरू होने का कहा गया लेकिन इसके बजाय दिसंबर 2020 में कोविड फैलने की वजह से शुरू किया गया। इसकी रिलीज की तारीख फिल्म 7 जनवरी 2022 को रिलीज हुई थी। तनकीदी रदमल तरमीम करे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा है काली की कहानी भी अपनी ही खूबसूरती में फंस गई। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कुछ दास्तानें पनपती है जिसके बावजूद फिल्म एक ही मोहब्बत की कहानी को बार बार बयान करती है कभी भी अपने उनवान की वजाहत नहीं करती। दी न्यूज मेंट ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा जुदाई तौर पर शुरू होता है लेकिन प्लाट से हट जाता है। हालत में तरमीम करे परवीन ऐसा सुपर शरानी शरणिया फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। 27 जनवरी 2022 को बाजाब्त किया गया सुपर शरानिया मंजिलों पर है टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब्त किया गया। परवीन एस आर सुपर शरानिया फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। हिंदू 3 अक्टूबर 2022 को बाजियाब्त किया गया सुपर शरानिया में अनासवार का किरदार दिलचस्प है। ग्रेश एडी टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2022 को बाजियाब्त किया गया।
नीरज नतन दंगल टीम की अगली सुपर शरानिया जनवरी 2022 में पहुंचेगी। शर्मा एक्सप्रेस 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब्त किया गया। नीरज नतन दंगल टीम की अगली फिल्म सुपर शरानिया द न्यूज मिंट टाइम्स ऑफ इंडिया 24 अगस्त 2020 बाजियाब 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया 16 दिसंबर 2021 बाजियाब 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया मूवी 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब किया गया। सुपर शरानिया मूवी का जायजा और दर्जा बंदी इंडियन एक्सप्रेस मलयालम 7 जनवरी 2022 को बाजियाब किया। जूनियर रावता की तरमीम बांध लेने पहले फाइव समय में कि मिटल कम जमीन थानी और मतन दंगल 2017 की फिल्म ग्रे शेडी स्वार्जन भारतीय अदाकार ग्रे शेडी फिल्म डायरेक्टर मौसी बादशाह जब तक के दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए राजधारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शराब डिस्टर्ब मैन मैनिकुलर तलाश कर स्वार्जन आर्टिकल टॉक जबान PDF डाउनलोड कर देखने में मीन स्वार्जन एक हिंदुस्तानी अदाकार जो बुनियादी तौर पर मलयालम फिल्मों में काम करती है। इसने मलयालम मुक्तसी फिल्म ग्रुप में अपने अदाकारी को कहा जिसकी पहली फीचर फिल्म उदाहरण चिंता दी अनस्वादी लाशें कमया मलयालम फिल्मों तानी और मंदंग दंगल सुपर शरानिया के जरिए मकबूलियत हासिल की। स्वार्जन पैदाइश 8 सितंबर 2002 केरलर कन्नौर केरला कौमियत हिंदुस्तानी पेशावर अध्यक्ष 7 साल 2017 मौजूदा अध्यक्ष जिनकी दरमियान स्वार्जन की पैदाइश 8 सितंबर 2002 को राजन शाह के हाथी जो कैरिगियर कन्नौर के रहने वाले थे। इसकी तलीम सेनेट मेरी गर्ल्स हाई स्कूल यानवर में हुई थी। अदाकारी कैरियर तरमीम अनवारसन में अपनी फिल्म अदाकारी का आगाज 2017 में दारनम सजिता के साथ किया जो संजिता कृष्णा के भाग्य बेटी थीरा कृष्ण जयचंद दिगर फिल्मों मुक्ति सिकदार अदा करने के बाद अनस्वारा ने 2019 की फिल्म थानीर मतन दंगल में अपना मरकजी किरदार अदा किया। अनस्वारजन 2022 में रिलीज होने वाली त्रिशा स्टार फिल्म जिंदगी के साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोडी फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें। अनस्वारजन ने दो किरदार अदा किए दो या ज़्यादा फिल्मों के साथ अनस्वारा एक किरदार अदा किया वाला जल्द में तरमीम करें। स्वराजन 18 साल की हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया 8 दिसंबर 2020 इस लगाए बिन स्वराजन ने सन्नर मैनिक मतन दंगल जैसी किसी फिल्म से लुत्फानंदोज नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 जनवरी 2019 बाजाब शुदा टाइम्स ऑफ इंडिया दौलकर के साथ अदाकारी करने के मौका ख्वाब देखना अनस्वारा कहती है। अंग्रेजी अदाकारी अर्जुन रंगीस के साथ तमिल डेब्यू करेंगे। हिंदुस्तान बिरानवे के दिन इस साल अनस्वारजन अदारनम सीता के 3 साल पर टाइम्स ऑफ इंडिया 28 दिसंबर 2020 बाजाब शुदा 16 दिसंबर 2021 वादी फिल्म का जायजा मजबूत अदाकारी एवेडी को बचाती है। सुपर शरानिया 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की आने वाली कॉमेडी फिल्म है जिसे ग्रेश एडी ने तरीर और हिदायतकारी की है। फिल्म में अन्ना स्वार्जन ने मरकजी किरदार अदा किया जबकि अर्जुन शुक्र ममिता बेजू नसलीन कपूर मामून किरदार अदा करे। इस फिल्म को शेन बेकर ग्रेश एडी ने प्रोड्यूस किया था और इसकी मौसीकी जस्टिन वर्गेज ने तरतीब दी थी। ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को मिले जुले जायजों के लिए रिलीज हुई लेकिन तजारती लिहाज से कामयाब रही। सुपर शरानिया थिएटर रिलीज पोस्टर ग्रेश एडी के जरिए हिदायतकार ग्रेश एडी के जरिए तैयार करता है। शेन बेकर ग्रेश एडी अदाकारी अनवार संजन शुक्र ममिता बैजू नसलीन के गफूर सैनमाटोग्राफी साजिद प्रवेशन की तदवीर दकार टोशक वर्गेज मौसीकी जस्टन पैदावर कंपनियां शेन बेकर प्रोडक्शन पंतीगर सेंट्रल पिक्चर्स के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहाई 7 जनवरी 2022 वक्त चल रहा 164 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बॉक्स ऑफिस $23 करोड़ राशा शरानिया इंजीनियरिंग कॉलेज चाहती है और अपनी रूममेट से दोस्ती करती है। एक प्रोफेसर सीनियर और एक कम जुमात से पसंद करता है और वो अपने राज की कम सिद्ध करते हुए इंस्टाग्राम के जरिए एक नौजवान बालिक
दीपू के साथ रोमांस में था। वो अरनालकम के जरिए घूमते हुए गलती से इससे मिली और उसके प्रोफाइल का पता लगा। शेरानी और उसके दोस्तों की कैंपस की जिंदगी करदार के बदलते साहिल को पूरी कहानी में कैद किया गया है। नासवा जनवासी शरणिया असुदीन सुपर शरानिया शाहरुख अर्जुन अशुकन बतौर दीपो ममिता बेजू बतौर सोना थाम सोना रवि नसलीन के गफूर बतौर संगीत वनीत श्याम बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण राज साजन कचरो कायल बतौर दीप्ति किशोर अभिलाष कुमार वनीत वासदियन बतौर अजीत मैनन के जरिए किया गया है। वनीत वासन बतौर अजीत मैनन बतौर धारा बतौर वर्धन अनूठी वर्केश वासियत समेशन कैंडन वटमी बतौर वासदियोवन दीपू की माँ के तौर पर बंधु पनेकर रोजना जोशी बतौर शीरन कानी कसरवती देविका गोपाल नायर बतौर दीपिका स्नेहा बाबू बतौर दीप्ति दीपू की बहन चमकदार सारा संतोष शिवराज बतौर सुधी जमीन डेनी बतौर जमीन अरुण ई हरिदास बतौर संजू ज्योति विजय कुमार जस्टिन के तौर पर श्रीकांत वटियार फेमिना बतौर और स्नो टीके नागा बैजू कैरसना श्री कुमार पार्वती अपन बतौर नविया सिबन शारजन प्रोडक्शन इंडियन सुपर शरानिया ऐलान अगस्त 2020 में ग्रेश एडी की दूसरी हदायतकारी के जरिए किया गया था जिसमें थानिर मतन दंगल के साथ अनासवार्जन अर्जन शोकर मरकजी किरदारों में थे। कनाचका बोबन ने फिल्म के फर्स्ट लग पोस्टर करेक्टर पोस्टर का हिस्सा किया। फिल्म साजों की जानब से एक सेकंड लग पोस्टर सामने आया जिसमें जनवरी 2022 को सिनेमा घर में फिल्म की रिलीज का ऐलान किया गया है। शिबन पैकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे ग्रेश एडी ने मुश्तरका तौर पर प्रोड्यूस किया है। सिनेमेटोग्राफी की जबकि कार जशव वर्गेश ने एडिटिंग किया जैसे वर्गेश जो थानियर मतन बैनगा के मोशी कॉर्बिट इन्होंने मुसीकी तरतीब दी। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2020 में शुरू होने का कहा गया लेकिन इसके बजाय दिसंबर 2020 में कोविड फैलने की वजह से शुरू किया गया। इसकी रिलीज की तारीख फिल्म 4 जनवरी 2022 को रिलीज हुई थी। तनकीदी रिदमल तरमीम करे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा है काली की कहानी भी अपनी ही खूबसूरती में फंस गई। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कुछ दास्तानें पनपती हैं जिसके बावजूद फिल्म एक ही मोहब्बत की कहानी को बार बार बयान करती है। कभी भी अपने उनवान की वजाहत नहीं करती। दी न्यूज में 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा जुदाई तौर पर शुरू होता है लेकिन प्लाट से हट जाता है। हालत में तरमीम करे परवीन ऐसा सुपर शरानी शरणिया फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। 27 जनवरी 2022 को बाजाब्त किया गया सुपर शरानिया मंजिलों पर टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2021 को बाजाब्त किया गया परवीन एस आर सुपर शरानिया फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। हिंदू 3 अक्टूबर 2022 को बाजाब्त किया गया सुपर शरानिया में अनासवार का किरदार दिलचस्प है। ग्रेश एडी टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2022 को बाजाब्त किया गया। नीर रतन दंगल टीम की अगली सुपर शरानिया जनवरी 2022 में पहुंचेगी। सनमा एक्सप्रेस 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब्त किया गया। नीर रतन दंगल टीम की अगली फिल्म सुपर शरानिया दी न्यूज मिंट टाइम्स ऑफ इंडिया 24 अगस्त 2020 बाजियाब्त 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया 18 न्यूज मलालियम 16 दिसंबर 2021 बाजियाब्त 18 दिसंबर 2021
सुपर शरानिया मूवी 18 सितंबर 2021 को बाजैप की एक सुपर शरानिया मूवी का जायजा और दर्जा बंदी इंडियन एक्सप्रेस मलालियम 7 जनवरी 2022 को बाजैप की अभिनय रावता की तरमीम बांध लेने पहले फाइव समय में कि मिटल कम जमीन थानी और मतन दंगल 2017 की फिल्म ग्रे शेडी स्वार्जन भारतीय अदाकार ग्रे शेडी फिल्म डायरेक्टर मुआसिर सिबासा की तदस्या दब तक के दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए राजदारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शराब डिस्टर्ब मैन मैनिकुलर तलाश कर स्वार्जन आर्टिकल टॉक्स वन PDF डाउनलोड कर देखने में मीन स्वार्जन एक हिंदुस्तानी अदाकार जो बुनियादी तौर पर मलयालम फिल्मों में काम करती है। इसने मलयालम मुख्तसी फिल्म ग्रुप में अपने अदाकारी का आगाज जिसकी पहली फीचर फिल्म उदाहरण चिंता दी अनस्वादी लासी कमयाब मलयालम फिल्मों तानियर मंदंग दंगल से ऊपर जाने के जरिए मकबूलियत हासिल की। स्वार्जन पैदाइश 8 सितंबर 2002 केरलर कनौर केरला कौमियत हिंदुस्तानी पेशावर अध्यक्ष 7 साल 2017 मौजूदा जिनकी दरमियान स्वार्जन की पैदाइश 8 सितंबर 2002 को राजन शाह के हाथी जो कैलिगियर कनौर के रहने वाले थे। इसकी तलीम सेनेट मेरी गर्ल्स हाई स्कूल यानवर में हुई थी। अदाकारी कैरियर तरमीम अनवारसन में अपनी फिल्म अदाकारी का आगाज 2017 में दारनम सजिता के साथ किया जो संजिता कृष्णा के भाग्य बेटी थीरा कृष्ण जयचंद दिगर फिल्मों मुख्तलिफ किरदार अदा करने के बाद अनस्वारा ने 2019 की फिल्म थानीर मतन दंगल में अपना मरकजी किरदार अदा किया। अनस्वारजन 2022 में रिलीज होने वाली त्रिशा स्टार फिल्म जिंदगी के साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोडी फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें। अनस्वारजन ने 2 किरदार अदा किए 2 या ज़्यादा फिल्मों के साथ अनस्वारा एक किरदार अदा किया वाला जल में तरमीम करें। अनस्वारा जन 18 साल की हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया 8 सितंबर 2020 इसलंग लगाए बिन स्वारजन ने सन्नर मैनिक मतलब दंगल जैसी किसी फिल्म से लुत्फानंदोज नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 जनवरी 2019 बाजाबशुदा टाइम्स ऑफ इंडिया दौलकर के साथ अदाकारी करने के मौका ख्वाब देखना अनस्वारा कहती है। अंग्रेजी अदाकारियों अर्जुन रंगीस के साथ तमिल डेब्यू करेंगे हिंदुस्तान बेनमूरे किस दिन इस साल अनस्वारजन अदारनम सीता के 3 साल पर टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2020 बाजाबशुदा 16 सितंबर 2021 वादी फिल्म का जायजा मजबूत अदाकारी अवार्ड को बचाती है। सुपर शरानिया 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम ज़बान की आने वाली कॉमेडी फिल्म है जिसे ग्रेश एडी ने तरीर और अदाकारी की है। फिल्म में अनस्वारजन ने मरकजी किरदार अदा किया जबकि अर्जुन शुक्र ममिता बेजो नसलीन वो माउन किरदार अदा करे। इस फिल्म को शेन बेकर ग्रेश एडी ने प्रोड्यूस किया था और इसकी मौसीकी जस्टिन वर्गेज ने तरतीब दी थी। ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को मिले जुले जायजों के लिए रिलीज हुई लेकिन तजारती लिहाज से कामयाब रही। सुपर शरानिया थिएटर रिलीज पोस्टर ग्रेश एडी के जरिए हदायतकार ग्रेश एडी के जरिए तैयार करता है। शेन बेकर ग्रेश एडी अदाकारी अनवार संजन अशोकर ममिता बैजू नसलीन गफूर सैनमाटोग्राफी साजिद प्रवेशन की तदवीर दकार टोशक वर्गेज मौसीकी जस्टन पैदावर कंपनियां शेन बेकर प्रोडक्शन सेंट्रल पिक्चर्स के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहाई 7 जनवरी 2022 वक्त चल रहा 164 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बॉक्स ऑफिस $23 करोड़ लाशा शरानिया इंजीनियरिंग कॉलेज जाती है और अपनी रूममेट से दोस्ती करती है। एक प्रोफेसर सीनियर और एक कम जुमात से पसंद करता है और वो अपने राज की कमसरित करते हुए इजहार करते हैं कि इंस्टाग्राम के जरिए एक नौजवान बालिक दीपू के साथ रोमांस में था। वो अरनालकम के जरिए घूमते हुए गलती से इससे मिली और उसके प्रोफाइल का पता लगा। शरानिया उसके दोस्तों की कैंपस की जिंदगी करदार के बदलते साहिल को पूरी कहानी में कैद किया गया है। नासवा जन वासी शरणिया असुदीन सुपर शरानिया सुशारू अर्जुन अशुकन बतौर दीपो ममिता बेजू बतौर सोना थाम सोना रवि नसलीन के गफूर बतौर संगीत
वनीत श्याम बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर, अरुण राज साजन कचरो कायल बतौर, दीप्ति किशोर अभिलाष कुमार वनीत वास्तवियन बतौर अजीत मैनन के जरिए किया गया है। वनीत वासी बतौर अजीत मैनन बतौर धारा बतौर वर्धन अनूठी वर्केश वासी समेशन कैंडन वटमी बतौर वासदियोवन दीपू की माँ के तौर पर बंधु पनेकर रोजना जोशी बतौर शीरन कानी कसरवती देविका गोपाल नायर बतौर दीपिका स्नेहा बाबू बतौर दीप्ति दीपू की बहन चमकदार सारा संतोष शिवराज बतौर सुधी जमी डेनी बतौर जमी अरुण ई हरिदास बतौर संजू ज्योति विजय कुमार जस्टिन के तौर पर श्रीकांत वटियार फेमिना बतौर और सुनो टीके नागा बैजू कैरसना श्री कुमार पार्वती है अपन बतौर नविया सिवन शारजन प्रोडक्शन इंडियन सुपर शरानिया ऐलान अगस्त 2020 में ग्रेश एडी की दूसरी हदायतकारी के जरिए किया गया था, जिसमें था निर्मतन दंगल के साथ अनास्वार्जन अर्जन शोकर मरकजी किरदारों में थे। कनाचका बोबन ने फिल्म के फर्स्ट लग पोस्टर करेक्टर पोस्टर का हिस्सा किया। फिल्म साजों की जानब से एक सेकंड लग पोस्टर सामने आया, जिसमें जनवरी 2022 को सिनेमा घर में फिल्म की रिलीज का ऐलान किया गया है। शिबन पैकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे ग्रेश एडी ने मुश्तरका तौर पर प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी की, जबकि का जशव वर्गेश ने एडिटिंग किया। जैसे वर्गेश जो थानियर मतन बैनगा के मौसिक और बीट इन्होंने मौसिक की तरतीब दी। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2020 में शुरू होने का कहा गया, लेकिन इसके बजाय दिसंबर 2020 में कोविड फैलने की वजह से शुरू किया गया। इसकी रिलीज की तारीख फिल्म 2022 को रिलीज हुई थी। तनकीदी रिदमल तरमीम करे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा है, काली की कहानी भी अपनी ही खूबसूरती में फंस गई। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, कुछ दास्तानें पनपति है जिसके बावजूद फिल्म एक ही मोहब्बत की कहानी को बार बार बयान करती है, कभी भी अपने उनवान की वजाहत नहीं करती। दी न्यूज मेंट ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा है, जुदाई तौर पर शुरू होता है लेकिन प्लाट से हट जाता है। हालत में तरमीम करे परवीन ऐसा सुपर शरानी शनिया फिल्म का जायजा, कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। 27 जनवरी 2022 को बाजाब्त किया गया। सुपर शरानिया मंजिलों पर टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2021 को बाजाब्त किया गया। परवीन एस आर सुपर शरानिया फिल्म का जायजा, कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। हिंदू 3 अक्टूबर 2022 को बाजाब्त किया गया। सुपर शरानिया में अनास्वार का किरदार दिलचस्प है। ग्रेश एडी टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2022 को बाजाब्त किया गया। नीर रतन दंगल टीम की अगली सुपर शरानिया जनवरी 2022 में पहुंचेगी। शर्मा एक्सप्रेस 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब्त किया गया। नीर रतन दंगल टीम की अगली फिल्म सुपर शरानिया दी न्यूज मिंट टाइम्स ऑफ इंडिया 24 अगस्त 2020 बाजियाब्त 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया। 16 दिसंबर 2021 बाजियाब 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया मूवी 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब्त किया गया। सुपर शरानिया मूवी का जायजा दर्जाबंदी इंडियन एक्सप्रेस मलालियम 7 जनवरी 2022 को बाजियाब्त किया। बिरूनी रवाता क्षेत्र में 5 दिन पहले आप समय में कि मतलब कम जमीन थानी और मतलब दंगल 2017 की फिल्म ग्रेश एडी स्वार्जन भारतीय रकार ग्रेश एडी
फिल्म डायरेक्टर मोहसिन सिबासा की तस्वीर अब तक के दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए। राजधानी की पुलिस से स्मार्क ने खींच रहा डिस्टर्ब मैन मैंने खुला तलाश कर इंसवार्जन आर्टिकल टॉक्स वन पीडीएफ डाउनलोड कर देखने में इंसवार्जन एक हिंदुस्तानी अदाकार जो बुनियादी तौर पर मुलायम फिल्मों में काम करती है। इसने मुलायम मुख्तसी फिल्म ग्रुप में अपनी अदाकारी का आगाज इसकी पहली फीचर फिल्म उदाहरण चिंता दी अनस्वादी लाशें कमियाँ मुलायम फिल्मों तानियर बंदंग दंगल से पहचाने के जरिए मकबूलियत हासिल की। इंसवार्जन पैदाइश 8 सितंबर 2002 केरला कन्नौर केरला कौमियत हिंदुस्तानी पेशावर अधिक 7 साल 2017 मौजूदा जिनकी दरमियान इंसवार्जन की पैदाइश 8 सितंबर 2002 को राजन शके हाथी जो कैरिगियर कन्नौर के रहने वाले थे। इसकी तलीम सेंट मेरी गर्ल्स हाई स्कूल यानवर में हुई थी। अदाकारी कैरियर तरमीम अनवारसन में अपनी फिल्म अदाकारी का आगाज 2017 में दारनम सजिता के साथ किया जो संजिता कृष्णा के भाग्य बेटी थीरा कृष्ण जयचंद दिगर फिल्मों मुख्तलिफ किरदार अदा करने के बाद अनस्वारा ने 2019 की फिल्म थानीर मतन दंगल में अपना मरकजी किरदार अदा किया। अनस्वारजन 2022 में रिलीज होने वाली त्रिशा स्टार फिल्म जिंदगी के साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोडी फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें। अनस्वारजन ने दो किरदार अदा किए दो या ज़्यादा फिल्मों के साथ अनस्वारा एक किरदार अदा किया वाला जल में तरमीम करें। अनस्वारजन 18 साल की हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया 8 सितंबर 2020 इस्लाम लगाए बिन स्वारजन ने सन्नर मैनिंग मतन दंगल जैसी किसी फिल्म से लुत्फानंदोज नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 जनवरी 2019 बाजाब शुदा टाइम्स ऑफ इंडिया दौलकर के साथ अदाकारी करने के मौका ख्वाब देखना अनस्वारा कहती है। अंग्रेजी अदाकारी अर्जुन रंगीस के साथ तमिल डेब्यू करेंगे। हिंदुस्तान बेनमूर के दिन इस साल अनस्वारजन अदारनम सीता के 3 साल पर टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2020 बाजाब शुदा 16 सितंबर 2021 वादी फिल्म का जायजा मजबूत अदाकारी एवेडी को बचाती है। सुपर शरानिया 2022 की हिंदुस्तानी मलयालम जबान की आने वाली कॉमेडी फिल्म है जिसे ग्रेश एडी ने तरीर और हिदायतकारी की है। फिल्म में अनस्वारजन ने मरकजी किरदार अदा किया जबकि अर्जुन शुक्र ममिता बेजू नसलीन वो माउन किरदार अदा करे। इस फिल्म को शेन बेकर ग्रेश एडी ने प्रोड्यूस किया था और इसकी मौसीकी जस्टिन वर्गेज ने तरतीब दी थी। ये फिल्म 7 जनवरी 2022 को मिले जुले जायजों के लिए रिलीज हुई लेकिन तजारती लिहाज से कामयाब रही। सुपर शरानिया थिएटर रिलीज पोस्टर ग्रेश एडी के जरिए हिदायतकार ग्रेश एडी के जरिए तैयार करता है। शेन बेकर ग्रेश एडी अदाकारी अनवार संजन अशोकर ममिता बैजू नसलीन गफूर सैनमाटोग्राफी साजिद प्रवेशन की तदवीद कास्ट अशोक वर्गेज मौसीकी जस्टन पैदावर कंपनियां शेन बेकर प्रोडक्शन सेंट्रल पिक्चर्स के जरिए तकसीम किया गया। तारीख रहाई 7 जनवरी 2022 वक्त चल रहा 164 मिनट मुल्क हिंदुस्तान जबान मलयालम बॉक्स ऑफिस 1 करोड़ डॉलर राशा शरानिया इंजीनियरिंग कॉलेज चाहती है और अपनी रूम मेट से दोस्ती करती है। एक प्रोफेसर सीनियर और एक कम जुमात से पसंद करता है और वो अपने राजगी को मुसरद करते हुए इजहार करते हैं कि इंस्टाग्राम के जरिए एक नौजवान बालिक दीपू के साथ रोमांस में था। वो अरनालकम के जरिए घूमते हुए गलती से इससे मिली और उसके प्रोफाइल का पता लगा। शेरानी और उसके दोस्तों की कैंपस की जिंदगी करदार के बदलते कसाइल को पूरी कहानी में कैद किया गया है। नासवा जनवासी शरनिया असुदीन सुपर शरानिया शाहरुख अर्जुन अशुकन बतौर दीपू ममिता बेजू बतौर सोना थाम सोना रवि नसलीन के कपूर बतौर संगीत वनीत श्याम बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण राज साजन कचरो कायल बतौर दीप्ति किशोर अभिलाष कुमार वनीत वासियन बतौर अजीत मैनन के जरिए किया गया है।
वनीयत वासिम बतौर जीत मैंने बतौर धारा बतौर वर्धन अनूठी वर्केत वासियत है समेशन कैंडन वटमी बतौर वास दियोवन दीपू की माँ के तौर पर बंधु पनेकर रोजना जोशी बतौर शीरन कानी कसरवती देविका गोपाल नायर बतौर दीपिका स्नेहा बाबू बतौर दीप्ति दीपू की बहन चमकदार सारा संतोष शिवराज बतौर सुधी जमीन डेनी बतौर जमीन अरुण ई हरिदास बतौर संजू ज्योति विजय कुमार जस्टिन के तौर पर श्रीकांत वटियार फेमिना बतौर और सुनोर टीके नागा बैजू कैरसना श्री कुमार पार्वती अपन बतौर नविया सिबन शारजन प्रोडक्शन इंडियन सुपर शरानिया ऐलान अगस्त 2020 में ग्रेस एडी की दूसरी हदायतकारी के जरिए किया गया था जिसमें थानिर मतन दंगल के साथ अनास्वार्जन अर्जन शोकर मरकजी किरदारों में थे। कनाचका बोबन ने फिल्म के फर्स्ट लग पोस्टर करेक्टर पोस्टर का हिस्सा किया। फिल्म साजों की जानब से एक सेकंड लग पोस्टर सामने आया जिसमें जनवरी 2022 को सिनेमा घर में फिल्म की रिलीज का ऐलान किया गया है। शिबन पैकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे ग्रेस एडी ने मुश्तरका तौर पर प्रोड्यूस किया है। जबकि काजेश वर्गेश ने एडिटिंग किया जिससे वर्गेश जो थानियर मतन बैनगा केमोस्ट्री कॉर्बिट इन्होंने मुसीकी तरतीब दी। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2020 में शुरू होने का कहा गया लेकिन इसके बजाय दिसंबर 2020 में कोविड फैलने की वजह से शुरू किया गया। इसकी रिलीज की तारीख फिल्म 4 जनवरी 2022 को रिलीज हुई थी। तनकीदी रिदमल तरमीम करे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा है काली की कहानी भी अपनी ही खूबसूरती में फंस गई। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कुछ दास्तानें पनपती है जिसके बावजूद फिल्म एक ही मोहब्बत की कहानी को बार बार बयान करती है कभी भी अपने उनवान की वजाहत नहीं करती। दी न्यूज में ने 5 में से 3 की रेटिंग दी और लिखा जुदाई तौर पर शुरू होता है लेकिन प्लाट से हट जाता है। हालत में तरमीम करे परवीन ऐसा सुपर शरानी सुनिया फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। 27 जनवरी 2022 को बाजाब्त किया गया सुपर शरानिया मंजिलों पर टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2021 को बाजाब किया गया परवीन एस आर सुपर शरानिया फिल्म का जायजा कैंपस ड्रामा अपने नाम के मुताबिक नहीं रहता। हिंदू 3 अक्टूबर 2022 को बाजाब किया गया सुपर शरानिया में अनास्वार का किरदार दिलचस्प है ग्रेस एडी टाइम्स ऑफ इंडिया 18 दिसंबर 2022 को बाजाब किया गया। नीर रतन दंगल टीम की अगली सुपर शरानी है जनवरी 2022 में पहुंच जाएगी। सनमा एक्सप्रेस 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब किया गया। नीर रतन दंगल टीम की अगली फिल्म सुपर शरानिया दी न्यूज मिंट टाइम्स ऑफ इंडिया 24 अगस्त 2020 बाजियाब 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया 18 न्यूज मलालियम 16 दिसंबर 2021 बाजियाब 18 दिसंबर 2021 सुपर शरानिया मूवी 18 दिसंबर 2021 को बाजियाब किया गया सुपर शरानिया मूवी का जायजा और दर्जा बंदी। इंडियन एक्सप्रेस मलालियम 7 जनवरी 2022 को बाजियाब किया ब्रूनी रावता की तरमीम 5 दिन पहले फाइव समय की मुतलकम जमीन थानियर मतन दंगल 2017 की फिल्म ग्रेस एडी स्वार्जन भारतीय लगा ग्रेस एडी फिल्म डायरेक्टर मासी बादशाह की दूसरी सूरत में नोट ना किया जाए राजधारी की पुलिस से इस्तेमाल करने की शराब डिस्टर्ब मैन मैनिकुलर तलाश कर इंसवार्जन आर्टिकल टॉक जबान PDF डाउनलोड कर देखने में इंसवार्जन एक हिंदुस्तानी अदाकार जो बुनियादी तौर पर मलयालम फिल्मों में काम करती है। इसने मलयालम मुख्तसी फिल्म ग्रुप में अपनी अदाकारी का आगाज जिसकी पहली फीचर फिल्म उदाहरण चिंता दी अनस्वादी लाशें कमयाब मलयालम फिल्मों तानियर मंदंग दंगल सुपर शरानिया के जरिए मकबूलियत हासिल की। इन स्वार्जन 28 सितंबर
2002 कनौर केरला कौमियत हिंदुस्तानी पेशावर अध्यक्ष 7 साल 2017 मौजूदा अध्यक्ष जिनकी दरमियान स्वराजन की पैदाइश और 2002 को राजन शाह के हाथ थी जो कैरिगियर कनौर के रहने वाले थे। इसकी तलीम सेंट मेरी गर्ल्स हाई स्कूल यानवर में हुई थी। अदाकारी कैरियर तरमीम अनवारसन में अपनी फिल्म अदाकारी का आगाज 2017 में दारनम सजिता के साथ किया जो संजिता कृष्णा के बागी बेटी थीरा कृष्ण जी चंद दिगर फिल्मों मुक्ति से किरदार अदा करने के बाद अंसवारा ने 2019 की फिल्म थानीर मतन दंगल में अपना मरकजी किरदार अदा किया। अंसवारजन 2022 में रिलीज होने वाली त्रिशा स्टार फिल्म जिंदगी के साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोडी फिल्मोग्राफी नोट्स में तरमीम करें। अंसवारजन ने 2 किरदार अदा किए 2 या ज़्यादा फिल्मों के साथ। अंसवारा एक किरदार अदा किया वाला जल्द में तरमीम करें। अंसवारा जन 18 साल की हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया 8 सितंबर 2020 अंसवारजन ने सन्नर मैनिक मतलब दंगल जैसी किसी फिल्म से लुत्फानंदोज नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया 20 जनवरी 2019 बाजाब शुदा टाइम्स ऑफ इंडिया दौलकर के साथ अदाकारी करने के मौका ख्वाब देखना। अंसवारा कहती है अंग्रेजी अदाकारी अर्जुन रंगीस के साथ तमिल डेब्यू करेंगे। हिंदुस्तान बेनमुरे किस दिन इस साल अंसवारजन अदारनम सीता के 3 साल पर टाइम्स ऑफ इंडिया 28 सितंबर 2020 बाजाब शुदा 16 सितंबर 2021 वादी फिल्म का जायजा मजबूत अदाकारी एवेडी को बचाती है।